We covered the topic of the first revelation of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Durushi padhi jaye Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Bahar ko bhai sahab machine laga ke kaam kar rahe hain aur aise zor zor ki gadgad ki awaaz aa rahi hai. Anyways, कल की गुफ्तगू के बाद जो है वो आज एक पार्ट कल जान के एक पार्ट भी मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मुझे उसमें बहुत सारी चीजें स्टूडेंट्स को समझानी होती है क्योंकि स्टूडेंट्स ऑलवेज गो इजी विद पार्ट बी. पार्ट बी के 32% मार्क्स है. 32% मार्क्स में से स्टूडेंट 16 मार्क्स भी स्कोर कर ले तो भी ए स्टार आ जाता है. लेकिन यहाँ बात समझने की एक है, उसमें भी मेजोरिटी स्टूडेंट्स 50% मार्क्स स्कोर नहीं कर पा रहे. बी पार्ट में मार्क्स ना सिक्योर करने के रीजन ये है कि एक तो स्टूडेंट्स ए के पॉइंट्स को बी में रिपीट करके समझता है उसने बहुत बड़ा कमाल किया जो कि एक्सेप्टेबल ही नहीं है. वो तो पॉइंट ही इररिलेवेंट काउंट होगा या उसको मार्क्स ही नहीं क्रेडिट कर सकते. दूसरा एक और मसला याद है कि स्टूडेंट पार्ट डी में इवैल्यूएटिव रिस्पॉन्स देने की बजाय बेसिक बातें कर रहा होता है. तो आज का जो पार्ट बी है, मैं कभी भी किसी स्टूडेंट के बारे में ये जज करना चाहता हूँ कि ये एग्जाम देने जा रहा है कैम्ब्रिज का और उसका ए आ सकता है या नहीं आ सकता, तो मैं उसको कुछ क्वेश्चन देता हूँ. कुछ डिस्क्रिप्टिव अकाउंट्स होते हैं, कुछ टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं उसका असेसमेंट लेने के लिए, और एक आध क्वेश्चन मैं उसको देता हूँ जो तो वो के मेरा का पार्ट भी होता है क्योंकि यहाँ पर प्योरली पता चल जाता है ये कौन सा स्टूडेंट जो है उसकी जो स्किल्स इवैल्यूएटिव हैं या नहीं है. तो ऐसी सूरत हाल में मैं आपको आज जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ आप उसको मेरे साथ फॉलो करते रहेंगे तो इंशाल्लाह अजीम जो है आपको जो है वो बात समझ में आ जाएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ. तो आप एक काम करें, आप मेरे साथ क्वेश्चन बी लिखें. कल के फिर आपने पढ़ा था उसी का क्वेश्चन बी चल रहा है. ये क्वेश्चन बी Explain the significance of the following. In this event. Explain the significance of the following in this event. Number one, angel. Number two, Varka. Achha, the question we are doing right now is from 2006. और 2006 में सिर्फ एंजल और वर्का पे नोफिल का सवाल आया था. मैंने फिर ये इस बात को evaluate किया कि इस पूरे इवेंट ऑफ केफिला में टोटल मिला के चार पर्सनैलिटीज इन्वॉल्व है. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा एंजल जिब्राइल, वर्का बिन नौफिल एंड द थर्ड वन इज फोर्थ वन इज हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला. हो सकता है इन फ्यूचर एग्जामिनर साहब भी सवाल दें तो वहां पर एंजल और वर्का में से कोई एक हटा के या इनके अलावा हजरत खदीजा पे भी क्वेश्चन आ जाए तो साथ ही साथ यही सवाल हजरत खदीजा के बारे में भी कर लेते. एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द फॉलोइंग इन दिस इवेंट. नंबर वन एंजल, नंबर टू वर्का, नंबर थ्री हजरत खदीजा. पार्ट बी है, 4 मार्क्स. पार्ट बी आ गया जी 4 मार्क्स. अब एक काम ये करें, 3 हेडिंग्स दीजिए लेकिन इस तरह से जैसे मैं काम कर रहा हूं. पहली हेडिंग आ गई एंजल, एंजल की हेडिंग के बाद आपको तकरीबन जो है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइन छोड़नी चाहिए, 7 लाइन छोड़ने. सेवन टू एट लाइन छोड़ के वर्का की हेडिंग देने. वर्का फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लाइन छोड़ के हजरत खदीजा की हेडिंग देने. एंजल, वर्का और हजरत खदीजा. वैसे तो 3 कॉलम्स ही बनाए जा सकते हैं लेकिन जो है वो फिर वो मजा नहीं आता.
एंजल वर्गा हजरत खदीजा। और स्मॉल कर दो, करो स्टार्ट। एक्सप्लेन सिग्निफिकेंस ऑफ द फॉलोइंग इन दिस इवेंट। नंबर वन एंजल, नंबर टू वर्का, नंबर थ्री हजरत खदीजा। और फिर हमने लाइन छोड़ दी है ताकि हम इसमें जो है वो अलग अलग फिलिंग कर सकें, क्योंकि मैं पहले तीनों का एक एक पॉइंट आपको याद करवाऊंगा और उसके बाद जो है वो मैं आपको बाकी सारे पॉइंट्स जो है क्लियर करूंगा। देखिए एक बात जरा क्लियरली समझिएगा। अच्छा अब किसी की राइटिंग अगर रह भी गई तो पहले वो बात सुन ले, क्योंकि मैं पहले पैटर्न एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसका। यूजली व्हेन द स्टूडेंट्स आर राइटिंग दिस पर्टिकुलर आंसर तो वो करते ही है कि वो ए पार्ट की इन्फॉर्मेशन बी में रिपीट करते हैं। तो यहाँ पर आपको ए और बी का बुनियादी फर्क समझना है, जो कि ये वाला क्वेश्चन को समझाने के लिए काफी होता है। सबसे पहली बात तो ये कि यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर ए पार्ट की इन्फॉर्मेशन को बी में आप रिपीट कर रहे हैं तो ए की इन्फॉर्मेशन को बी में रिपीट करने से आपको कोई सवाब तो मिलेगा नहीं। या तो आप मार्क्स ए में स्कोर सिक्योर कर सकते हैं या बी में, वो सेम इन्फॉर्मेशन दो जगह तो आपको मार्क्स नहीं देगी ना। तो पहले तो ए और बी का बड़ा फर्क समझना है। उससे पहले कि मैं आगे जाऊं, मैं आपको ये बात समझा दूं कि यहाँ पर जो है वो एक बंदिश भी आई है। हजरत जिब्राइल की एक सिग्निफिकेंस है। हजरत जिब्राइल इज द मोस्ट सुपीरियर आर्कएंजल। पेपर टू में बिलीफ इन एंजल्स में सवाल आता है कि हाउ हजरत जिब्राइल इज सिग्निफिकेंट और सुपीरियर एज कम्पेयर टू द अदर एंजल्स। उधर जिब्राइल इस्लाम की सिग्निफिकेंस आती है। इस क्वेश्चन में जिब्राइल की सिग्निफिकेंस नहीं पूछ रहे, वो कह रहे हैं हजरत जिब्राइल की सिग्निफिकेंस बताइए इस इवेंट में। कोशिश करें इसको अंडरलाइन ही करने कि ये जो इन दिस इवेंट का फ्रेज आ रहा है यहाँ पर आप जो भी बात करेंगे आज वो बात इस इवेंट के हवाले से होगी। तो यू नीड टू मेंशन सिग्निफिकेंस ऑफ एंजल विद इन दिस इवेंट। के हिना के इवेंट की बात होगी, ओवरऑल बात नहीं होगी। हजरत खदीजा की भी सिग्निफिकेंस आएगी, वर्का तो वैसे ही इसी इवेंट में नजर आते हैं, हजरत खदीजा की सिग्निफिकेंस इस इवेंट में। अब पहले ये यहाँ पर जो मेजर ब्लंडर है जो सिक्योरिटी करे मार्क्स, वो ब्लंडर की वजह समझिएगा। देखिए हजरत खदीजा की सिग्निफिकेंस सुनाता हूँ आपको। हजरत खदीजा इज द ओनली वुमन हु गेव फैमिली एंड चिल्ड्रन टू हजरत मोहम्मद पीस अपॉन हिम, या हु गेव सर्वाइविंग चिल्ड्रन टू हजरत मोहम्मद पीस अपॉन हिम। दो खवातीन से औलाद हुई प्रॉफिट को, एक हजरत खदीजा एक हजरत मारिया थी, लेकिन सर्वाइव जो किए हजरत खदीजा से थे। तो शी इज द ओनली वुमन हु गेव सर्वाइविंग चिल्ड्रन और सर्वाइविंग फैमिली टू हजरत मोहम्मद पीस अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सिग्निफिकेंस यहाँ पर नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? ये जो हजरत खदीजा की सिग्निफिकेंस बताई वो यहाँ पर क्यों नहीं लिख सकते? इस आंसर में हजरत खदीजा में क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि यहां सवाल आ रहा है एक्सप्लेन सिग्निफिकेंस ऑफ खदीजा इन द इवेंट ऑफ केव हिरा। तो यहां पर केव हिरा से बात आएगी, केव हिरा उसके इवेंट से बाहर जाने की इजाजत नहीं है, पहली बात आ गई। तो पहली गलती जो स्टूडेंट कर रहा है यहाँ पर बी में, इतना आसान सा क्वेश्चन है स्कोर नहीं कर रहा क्योंकि वो क्वेश्चन नहीं समझा। दूसरा मसला, स्टूडेंट ए के पॉइंट को बी में रिपीट नहीं कर सकता। अब मैं आपको आज पहली बार बड़ी जिम्मेदारी के साथ ए और बी का बहुत बड़ा फर्क समझाने लगा हूं, जिसको मेरी ये गुफ्तगु याद रह गई वो हमेशा बी पार्ट में अगर उसको पॉइंट्स खुद भी बनाने पड़ गए तो वो बी पार्ट में उस एग्जैक्ट एरिया को स्ट्राइक करेगा जो कि एक्चुअली एग्जामिनर का मेन ऑब्जेक्टिव है टू इन द असेसमेंट। ए पार्ट फैक्ट है, बी पार्ट उसी फैक्ट का फर्दर आउटकम है। तो ए में अगर आप एक प्लेन फैक्ट लिखते हैं, बी में उसी फैक्ट का फर्दर कॉन्सिक्वेंस लिखते हैं। अब जैसे कि आपने पार्ट ए में लिखा हजरत खदीजा कंसोल्ड हजरत मोहम्मद पीस अपॉन, दैट वाज अ फैक्ट ना। प्रॉफिट वाज शिवरिंग, ही वाज सो स्केयर्ड एंड ही वाज ओवरथिंकिंग, ही थॉट दैट ही वाज बीइंग चेज्ड बाय सुपरनैचुरल बीइंग्स, ही थॉट दैट प्रॉफिट पीस अपॉन वाज फिनिश्ड। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। देन हजरत पार्ट ए में आपने कर लिखा हजरत खदीजा कंसोल्ड हजरत मोहम्मद पीस अपॉन हिम बाय द फॉलोइंग हिस्टोरिकल वर्ड्स। तो ए में जब फैक्ट आ गया, बी में उसी फैक्ट का फर्दर आउटकम, उसके aftermaths, उसके significance, उसका फायदा क्या हुआ, उसका नुकसान क्या हुआ, या उससे कुछ हुआ या कुछ नहीं हुआ, जो भी आएगा। तो ए में जब फैक्ट आता है, बी में उससे एक कदम आगे जाना है, उसमें फर्दर डी इन डेप्थ बात होगी, फर्दर अंडरस्टैंडिंग की बात होगी। अब मैं आपको समझाता हूँ, देखिए इसी एग्जाम्पल से। पार्ट ए में था हजरत खदीजा कंसोल्ड, पार्ट बी में किसी बच्चे ने लिखा हजरत खदीजा इज सिग्निफिकेंट इन दिस इवेंट बिकॉज शी कंसोल्ड प्रॉफिट, जीरो मार्क्स, कोई स्कोर नहीं मिलेगा क्योंकि आपने पार्ट ए की बात की है। आप इसी बात को एक कदम आगे ले गए, यही इवैल्यूएशन है, यही इलस्ट्रेशन एक्सप्लेनेशन, और यही जो है वो आप बेसिकली आपने सिग्निफिकेंस की बात की। सो ए फैक्ट है, बी उसी फैक्ट का फर्दर जो है वो कॉन्सिक्वेंस या आउटकम है। तो मैं जो है वो इसका पॉइंट पार्ट बी में क्या बनेगा वो सुनाता हूँ आपको। पहले मुझे आप लोग एक बात बताएं, व्हेन हजरत खदीजा कंसोल्ड प्रॉफिट, इससे हुजूर को नुकसान हुआ या फायदा?
ने कंसोल किया पार्ट ए। उस कंसोलेशन से प्रॉफिट रिलैक्स हो गए, कंफर्टेबल हो गए, प्रॉफिट जो है वो स्ट्रॉन्ग हेडेड हो गए, या प्रॉफिट पीस वन यानी मेंटली जो है वो जो स्टेबल हुए, क्योंकि अभी घबराहट में थे। स्टेबल से मेरा मतलब जो है वो इंसैनिटी नहीं, अल्लाह माफ करे। तो हुजूर इस्लाम वाज नाउ विलिंग एंड नाउ रेडी मेंटली एंड फिजिकली टू फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन। वो क्वेश्चन क्या थे, कौन है ये और मेरे पास ही बार बार क्यों आ रहा है। तो यहाँ पर मैं आंसर आपको पूरा लिखवा रहा हूँ, तो आप देखिएगा मेरे सारे पॉइंट्स ऐसे होंगे जो कि ए और बी से जुदा होंगे। और दूसरी बात, अगर मैंने कोई ए का पॉइंट बी में यूज भी किया तो मैं उस पॉइंट को बी में लाके उसका फर्दर कॉन्सिक्वेंस या फर्दर सिग्निफिकेंस डिस्कस कर रहा हूँ। अब ये आंसर लेके चलना है तो मेरे साथ मेरी गुफ्तगू में पहले ही मिनट में 3 पॉइंट्स पक्के से याद कर लो। जिसने ये वाली बात सुन ली उसको 3 पॉइंट्स याद होंगे, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और मुझे पता है कि 50% से ज्यादा ऑडियंस का जवाब गलत देगी। अभी कुछ लिखना मत, सिर्फ स्क्रीन पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ। मैं आपको एक एक पॉइंट याद करा रहा हूँ। यहां में लिख रहा हूं फर्स्ट, यहां भी लिख रहा हूं फर्स्ट, और यहां भी लिख रहा हूं फर्स्ट। ठीक है, पहला पॉइंट तीनों का फर्स्ट 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 के हवाले से है, वो क्या है वो सुनो। एंजल वॉज द फर्स्ट वन टू अलर्ट हजरत मोहम्मद पीस अपॉन हिम अबाउट हिज न्यू मिशन एंड न्यू करियर। एंजल ने आके हुजूर को अलार्म किया, एंजल ने आके हुजूर को अलर्ट किया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो एक रसूल बनने वाले हैं, रिसालत का काम उनको मिल चुका। सो एंजल वाज़ द फर्स्ट वन टू अलर्ट। एंजल ने अलर्ट कर दिया, खबर सुना दी, लेकिन प्रॉफिट को बात समझ नहीं आई। सो वर्गा बिन नौफल वाज़ द फर्स्ट वन टू एक्सप्लेन हजरत मोहम्मद पीस अपॉन हिम अबाउट हिज न्यू मिशन अबाउट हिज न्यू करियर। अब मेरा आपसे सवाल ये है, अगर एंजल वाज़ द फर्स्ट वन टू अलर्ट हजरत मोहम्मद पीस अपॉन हिम, वर्गा बिन नौफल वाज़ द फर्स्ट वन टू एक्सप्लेन नबी इस्लाम अबाउट हिज न्यू मिशन एंड करियर, तो प्लीज मुझे ये बताइए हजरत खदीजा वाज़ द फर्स्ट वन टू, हजरत खदीजा वाज़ द फर्स्ट वन टू, जी मेरा अंदाजा सही रह जा रहे, इतने अरसे का मेरा एक्सपीरियंस है। अब कोई लिख रहा है हजरत खदीजा वाज़ द फर्स्ट वन टू जो है वो कंसोल, शी वाज़ द फर्स्ट वन टू हेल्प, शी वाज़ द फर्स्ट वन टू सपोर्ट। जी नहीं, हजरत खदीजा, कुछों का जवाब सही नहीं आया है एंड आई डू अप्रिशिएट दैट। हजरत खदीजा वाज द फर्स्ट वन टू नो अबाउट दिस पर्टिकुलर और दिस चेंज हैपनिंग एंड शी वाज द फर्स्ट वन टू नो अबाउट प्रॉफिट्स न्यू मिशन एंड करियर। नॉट ओनली शी वाज द फर्स्ट वन टू नो, शी वाज आल्सो द फर्स्ट वन टू बिलीव इन हजरत मोहम्मद पीजॉन्स न्यू मिशन एंड न्यू करियर। तो आप अभी काम करें, ये तीनों पॉइंट्स जो है वो पहले याद कर लें। एंजल वाज द फर्स्ट वन टू अलर्ट प्रॉफिट पीस अपॉन हिम, Warqa was the first one to explain Prophet peace upon him about his new mission and career, and Hazrat Khadija was the first one to know and believe in Hazrat Muhammad peace upon his new mission and career. That's why she is called the first Muslim adult female. खैर, मैं काम करता हूँ, आपको मैं Hazrat Jibril के points भेजता हूँ ताकि एक बार जो है हमारा मामला जो है वो angel का complete हो जाए। मैं type करके भेज रहा हूँ, angel Jibril पे आ जाओ। यहाँ पर लिखना बेटा आपको, angel के नीचे लिखो number one. और जिसको याद हो गया वो खुद ही लिख ले पॉइंट। एंजल वाज़ द फर्स्ट वन, एंजल वाज़ द फर्स्ट वन टू अलर्ट हजरत मोहम्मद पीस अपॉन हिम, एंजल वाज़ द फर्स्ट वन टू अलर्ट हजरत मोहम्मद पीस अपॉन हिम अबाउट हिज न्यू मिशन एंड न्यू करियर। एंजल वाज़ द फर्स्ट वन टू अलर्ट हजरत मोहम्मद पीस अपॉन हिम अबाउट हिज न्यू मिशन एंड करियर।
अच्छा तो मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, तो मैं आपको अगला पॉइंट बता दूंगा। मुझे बताइए कि एंजल जिब्राइल जब कैमरा के अंदर आए, तो एंजल जिब्राइल जब कैमरा में आए तो वो खुद आए या भेजे गए? एंजल जिब्राइल जब कैमरा के अंदर आए तो वो खुद आए या भेजे गए? सो ही वाज सेंट ना। अच्छा, अगर आपको जो है वो कोई कहीं भेज रहा है, आपको बोले जाओ बेटा, अम्मी बोलनी बेटा जाओ चाय बना के लेकर आओ, तो इट मींस दैट यू आर सपोज टू परफॉर्म अ ड्यूटी। अगर आपका आपका दिल कर रहा है बैठ के नेटफ्लिक्स के सामने बैठ जाओ पॉपकॉर्न खाते रहे, लेकिन अम्मी ने कहा चलो बेटा आप डस्टिंग कर दो, और जो है वो लड़के को अबू बोले जाओ बेटा मेरा वो दिमाग खराब हो रहा सुट्टा मेरे लिए सिगरेट लेकर आओ, तो यहाँ पर जो है वो अगर कोई वालदेन किसी को काम देने, बच्चा कह रहा है यार मुझे चिल करना था, दोस्त से बात करनी थी, मुझे ड्यूटी करनी थी, लेकिन ये मुझे काम पे भेज दिया, तो अगर कोई किसी को टास्क साइन करे वो ड्यूटी है। ड्यूटी का मतलब ये है कि आप जो है वो एक जो है खास जो है वो आपको जिम्मेदारी दी गई वो परफॉर्म करें। तो एंजल जब कैफिरा के अंदर है अपनी मर्जी की बातें नहीं कर रहे थे, अपनी मर्जी से नहीं आए, भेजे गए। फिर कैफिरा के बाहर आए एंजल, जब कैफिरा के बाहर आए तो उन्होंने अपनी मर्जी की तो बातें नहीं की, उन्होंने जो स्टेटमेंट बोली वो भी अल्लाह ने बोली थी, तो एंजल ने फिर अपनी ड्यूटी परफॉर्म की। इसका मतलब एंजल अपनी विल से नहीं आ रहे, एंजल भेजे जा रहे हैं। एंजल जब आ रहे हैं तो अपनी मर्जी की नहीं बल्कि अल्लाह की बताई हुई बातें करें। तो इट वॉज नॉट एन एंटरटेनमेंट फॉर एंजल, इट वॉज नॉट अ पिकनिक फॉर एंजल, इट वॉज थ्रू आउट अ ड्यूटी फॉर एंजल। फिर वो प्रॉफिट पीस है उनके पास, एंजल प्रॉफिट के घर आगे सूरह मुदस्सिर की आयतें लेके जाते हैं, फिर अल्लाह पाक ने भेजा उनको, वो तो अपनी मर्जी से नहीं आए, वैसे तो एंजल में फ्री विल भी नहीं होती। तो हम ये देख रहे हैं कि ये ए पार्ट में पॉइंट नहीं आया जो मैं आपको बता रहा हूँ। इनसाइड द केव ऑफ हिरा, outside the cave of Hira, at the house of Hazrat Muhammad peace be on the bed of Hazrat Khadija, when Prophet angel was visiting Hazrat Muhammad peace on, throughout the event, what we see, angel was doing his duty. What is the duty of the angel? What is the duty of angel Jibreel? Throughout the event, angel is performing a duty. What is the duty of the angel? What is the duty of angel Jibreel? To deliver God's message to the chosen one. Hazrat Jibreel's duty kya hai? To deliver God's message to the chosen one. Or chosen one kaun hote hain? The prophets of Allah. So likho, point number two. Angel was performing his duty throughout the event. Angel was performing his duty throughout this event. चलें जी, मेरे एक सवाल का जवाब दे देंगे तो आपको एंजल का सबसे ज्यादा जो इन तीनों पॉइंट्स में सबसे ज्यादा जो सिग्निफिकेंट पॉइंट बनता है, मतलब जिसमें इवैल्यूएशन थोड़ी सी ज्यादा नजर आती है, वो पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। एक बात बताइए कि अगर जो है वो आपके पास जो है वो मेरा कोई असिस्टेंट आके आपको अगर मैसेज दे और बोले जी अस्सलाम वालेकुम, मैं सर खुर्रम का असिस्टेंट हूँ और मैं आपके लिए मैसेज लेकर आया, अगर मेरा असिस्टेंट या मेरा कोई इम्प्लॉई या मेरा कोई मैनेजर या जो भी मेरे साथ काम करते हैं वो कोई आपको मैसेज दे, तो ये मैसेज मेरा जो कोई इम्प्लॉई आपको दे रहा था, ये मैसेज आया किसकी तरफ से? अगर मेरा कोई इम्प्लॉई आपको मैसेज दे रहा था, ये मैसेज किसकी तरफ से आया? मेरी तरफ से। अगर सर हमजा का असिस्टेंट आपको मैसेज दे तो ये मैसेज किसकी तरफ से आया? अगर सर हमजा का असिस्टेंट मैसेज दे तो मैसेज कहां से है? सर हमजा की तरफ से। ठीक है, बात ये समझाना चाह रहा हूं कि व्हेन अ पर्सन इज डिलीवरिंग अ मैसेज, सो इट मींस दैट अ पर्सन हु इज डिलीवरिंग अ मैसेज, दैट पर्सनालिटी इज रिप्रेजेंटिंग अनदर पर्सनालिटी। अब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिरा के अंदर बैठे हुए, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मैसेज लेकर अगर जो है अबू जहल आता या फिर अबू लहब आता या फिर चले मक्का की सोसाइटी का कोई शख्स आता, तो अगर कोई मक्का का कोई शख्स आगे प्रॉफिट को मैसेज देके जाता तो समझ में आती कि शायद ये मैसेज जो है वो अबू लहब, शायद ये मैसेज अबू लहब का है, शायद ये मैसेज अबू सुफियान का है, शायद ये मैसेज प्रॉफिट के चाचा जान हजरत अब्बास का है या अबू तालिब का है। लेकिन प्रॉफिट जब केव हिरा के अंदर थे तो प्रॉफिट के पास मैसेज कौन लेकर आया? प्रॉफिट के पास केव में मैसेज कौन लेकर आया? एंजल। अगर एंजल मैसेज डिलीवर कर रहे हैं, अगर एंजल मैसेज डिलीवर कर रहे हैं, सवाल का जवाब देना, अगर एंजल मैसेज डिलीवर कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? ये मैसेज ऑर्डिनरी है या एक्स्ट्राऑर्डिनरी? अगर एंजल मैसेज डिलीवर कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? मैसेज ऑर्डिनरी है या एक्स्ट्राऑर्डिनरी? एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और ये मैसेज किसका है? किसी मक्का के शख्स का या अल्लाह की जात का? अल्लाह की जात का। तो यहाँ पर तीसरा सबसे पक्कू पॉइंट है ये जिसपे ये वाला एंजल का आंसर खत्म हो जाएगा। द अपीयरेंस ऑफ एंजल वाज अ श्योरिटी दैट द मैसेज प्रॉफिट रिसीव्ड वाज ट्रूली फ्रॉम अल्लाह। लिखो, तीसरा पॉइंट आ गया सर
जी बिल्कुल, मोहम्मद अब्दुल्ला ने बहुत अच्छे से लिखा मैसेजेस डिवाइन। अच्छा तुम तो पढ़े हुए हो ना, इससे तुम मस्ती कर रहे हो। सही है अब्दुल्ला, अब्दुल्ला सिंधु। मैंने तीसरा पॉइंट भेज दिया आपको, देवी और सज्जनों। The appearance of angel was a surety that the message was received. Was truly from Allah. Second point क्यों नहीं आया भाई आसान नदीम? Second point तो सबके पास गया है, मेरे पास यहाँ पर surety भी आ रही है। I send the message to everyone. चलो अगर नहीं आया second point तो यहाँ से देख के लिख लो, स्क्रीन पे आ रहा है देखो। अगर सेकंड पॉइंट नहीं मिला तो स्क्रीन पे देख लो, स्क्रीन पे आ रहा है। नेक्स्ट हेडिंग देनी है वर्का की, वर्कर का पहला पॉइंट लिखने में समझा चुका हूँ। वर्कर वाज द फर्स्ट वन टू एक्सप्लेन हजरत मोहम्मद पीस अपॉन हिम अबाउट द न्यू मिशन एंड करियर। वर्कर वाज द फर्स्ट वन टू एक्सप्लेन हजरत मोहम्मद पीस अपॉन हिम अबाउट द न्यू मिशन एंड करियर। अबाउट द न्यू मिशन एंड करियर। सर मैंने रात को ख्वाब में देखा कि एक बहुत हसीन और एक बहुत जमील और एक जाइकैंटिक और बहुत ज्यादा नफीस और एक बहुत ज्यादा जलील कदर और एक अजीम एक जात है। अब मैं मुझे समझ नहीं आया, वो तो ख्वाब था। अब जो ख्वाब में देखा उसमें मैंने बहुत एक खूबसूरत हस्ती और खूबसूरत जो है शख्सियत देखी। अब वो ख्वाब अभी चल ही रहा था, पता चली डोरबेल बजी, डोरबेल बजी तो आंख खुल गई। मैं बाहर गया तो देखा जी दूध वाला भाई साहब आया हुआ है। मैं पॉट लेके गया, वो दूध डाल रहा था उसमें। तो मैंने कहा यार तूने मुझे अहम ही उठा दिया और अभी मैं इतना अमेजिंग ख्वाब देख रहा था, मैंने एक बड़ी प्यारी सी बड़ी अजीम सी बड़ी खूबसूरत सी एक हस्ती देखी। तो दूध वाला एक अनपढ़ जाहिल गवार आदमी है और वो तो जाहिर है उसकी क्वालिफिकेशन से दूध को समझना और दूध के मामला को हैंडल करना है। तो दूध वाले ने ही मेड अ फ्लूक एंड ही मेड अ स्टेटमेंट टू मी लिसनिंग टू माय ड्रीम, ही ट्राइड टू इंटरप्रेट दैट ड्रीम एंड ही सेड दैट कि साहब जी मुझे लगता है आपने ना अल्लाह मियां को ख्वाब में देखा होगा। अगर दूध वाला मुझे इस तरह की ख्वाब की ताबीर दे, मुझे बस इतना सा बता दे इसकी इस बात का मुझे यकीन आएगा या नहीं आएगा। जल्दी से बताओ, सवाल का जवाब देना आपने ताकि मुझे पता चले आपको बात समझ आ रही है। इसकी बात का मुझे यकीन क्यों नहीं आएगा? क्योंकि नंबर वन ही इज मेकिंग अ क्लियर फ्लूक, वो तुक्का मार रहा है। नंबर टू ये बंदा इस बात को कहने के लिए क्वालिफाई नहीं करता, पहली बात। दूसरी बात ये कि मैंने फिर क्या किया, मैं क्योंकि ख्वाब को लेकर बड़ा क्यूरियस था, मैं कराची के सबसे बड़े आलिम के पास चला गया। मैंने उन आलिम साहब से बात की जो कि क्वालिफाइड इंसान है, जो कि बात कर सकते हैं, ख्वाबों की ताबीर दे सकते हैं। मैंने उनको बताया मैंने रात के इस पहर ये वक्त था, रात को मैं ही खा के सोया था और मैंने ये यूज करके एक ऐसी हस्ती और ऐसा ख्वाब देखा। तो मुझे कुरान की आयत से, प्रॉफिट मोहम्मद साहब की हदीस से, इमाम ने सीनी की किताब ताबीर रोया से दलाइल देते हुए और जो है इमाम अहमद बिन हम्बल के ख्वाब को रेफर करते हुए जिन्होंने अल्लाह पाक को तीन बार ख्वाब में देखा हुआ है, मुझे मौलाना साहब ने जो कि क्वालिफाइड पर्सन है उन्होंने मुझे दलाइल कुरान हदीस और तारीख और ताबीर रोया नामी किताब से सबूतों के साथ बताया कि खुर्रम साहब आपने जिनको ख्वाब में देखा है वो अल्लाह की ही प्यारी जात थी। तो अब मुझे बताइए कि ये स्कॉलर जो मुझे सबूत भी दे रहे हैं, जो क्वालिफाइड भी हैं, इनकी इस बात पे मुझे यकीन नहीं आएगा या आएगा? यकीन नहीं आएगा या आएगा? आएगा ना सर, आएगा यकीन। उसकी वजह यह है कि ही इज अ क्वालिफाइड पर्सन और दूसरा वो तो ही इज नॉट मेकिंग अ फ्लूक, ही इज आल्सो गिविंग मी द एविडेंसेस फ्रॉम कुरान एंड सुन्ना। अब बात समझना कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वर्का क्या बोल रहे हैं। मोहम्मद आपके पास एक एंजल आए थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो अल्लाह के रसूल हैं, आपकी लाइफ अपसाइड डाउन हो गई, आप तो आप एग्जाइल भी होंगे, प्रोसिक्यूट भी होंगे, लेकिन आपको मुस्तकिल अपनी लास्ट ब्रेथ अपनी आखिरी सांस तक आपको अल्लाह की जो है वो आपको नबूवत का काम करना है,
अल्लाह की तरफ से तबलीग का काम करना है। अगर चलते फिरते कोई शख्स प्रॉफिट को बोलता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह के पैगंबर रसूल रहे, तो प्रॉफिट को इस बात का यकीन नहीं आता। लेकिन प्रॉफिट को जो ये बात कर रहे थे, जल्दी बताना, प्रॉफिट को जो बात कर रहे थे वो वर्का है। वर्का एक आम आदमी है, स्कॉलरली पर्सन। क्या वर्का प्रॉफिट को ये प्रेडिक्शंस देने के लिए क्वालिफाइड थे? जी हाँ। जल्दी बताना, मेरा कल का लेक्चर भूल गए तो बहुत अफसोस की बात है। वर्का बिन नौफल प्रॉफिट को जब सवालों के जवाब दे रहे थे, ही वॉज मेकिंग फ्लूक्स या फिर ही वॉज गिविंग प्रॉफिट द एविडेंस। वर्का ने प्रॉफिट को कहीं से एविडेंस दिया था या नहीं दिया था? कहां से दिया था एविडेंस? फ्रॉम तौरात एंड इंजील, फ्रॉम मोसेस एंड जीसस। तो यहां पर वर्का बिन नौफल ने प्रॉफिट को जो एक्सप्लेन किया पार्टे में आके, देखो पार्टे क्या है, प्लेन पॉइंट है, पार्टे फैक्ट है। वर्का गेव एक्सप्लेनेशंस टू प्रॉफिट, वर्का ने एक्सप्लेन किया, ए है। वर्का के एक्सप्रेशन से प्रॉफिट को यकीन आ गया कि यस आई हैव बीन विजिटेड बाय द एंजल ऑफ गॉड एंड यस आई हैव बीन ट्रूली आई हैव बीन चोजन एज अ रसूल ऑफ अल्लाह। कोई और बात करता है यकीन नहीं आता, पर वर्का की बात पे यकीन आया दो वजह से। नंबर वन, ही वाज क्वालिफाइड टू से सो, एंड नंबर टू, ही वाज गिविंग प्रॉफिट द एविडेंसेस फ्रॉम तौरात एंड इंजील। तो वर्का बिन नौफल का सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट, Warqa's explanations made Prophet peace upon him to believe that Prophet peace upon him was truly visited by the angel of God, that he was chosen as the messenger of Allah. लंबा पॉइंट है लेकिन ये कि ज़रा उसका इफेक्ट आ रहा है। वर्का एक्सप्लेनेशंस मेड प्रॉफिट पीस अपॉन टू बिलीव दैट प्रॉफिट पीस बी मोहम्मद पीस अपॉन वाज ट्रूली विजिटेड बाय द एंजल ऑफ गॉड एंड दैट ही वाज चोजन एज अ मैसेंजर ऑफ अल्लाह एंड दैट ही वाज चोजन एज अ मैसेंजर ऑफ अल्लाह। जी फारूक बाजवा से पढ़ सकते हैं, दैट्स करेक्ट। बरका का एक और पॉइंट आ रहा है सर, जगह कम पड़ जाए तो एंड में लिख लेने का मसला नहीं है। अच्छा जी, मैंने क्लास में बोला कि इब्राहिम, बल्कि मैंने बोला जी इब्राहिम और मेरोज आप ये मुदसर लिपि इजादा का नाम ले लेते हैं। मुदसर को मैंने बोला मुदसर आप क्लास के प्रीफेक्ट हैं। जैसे मैंने मुदसर को एक डेजिग्नेशन दी, एक पोस्ट दी या एक चार्ज दिया, तो बहुत सारे लोगों ने मुदसर के लिए क्लैप किया, बहुत सारे लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेट किया कि मुदसर जो है क्लास के प्रीफेक्ट बन गए, और बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया कि मुदसर से जेलस हो गए, बहुत सारे लोगों ने इग्नोर कर दिया कि प्रीफेक्ट बनना कौन सी बड़ी बात है। जब ये सारा मामला खत्म हो गया, एट द एंड ऑफ द डे मुदसर विल बी हैविंग दिस फीलिंग, फाइन आई हैव बीन चोजन एज अ प्रीफेक्ट, बट आई वुड लाइक टू नो इज इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग। ओके फाइन, इफ बीइंग प्रीफेक्ट और बिकमिंग अ प्रीफेक्ट इज अ गुड थिंग, बट व्हाट आई एम सपोज्ड टू डू, मुझे करना क्या है? तो obviously somebody has to explain him, somebody is supposed to help him to realize कि मदरसे प्रीफेक्ट बनना अच्छी है, बुरी बात होती है, प्रीफेक्ट बनने से यही करना होता है, जिम्मेदारी ज्यादा आती है, काम ज्यादा करना पड़ता है। अब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लम जब चुनन्य मुन्ने थे तो नबी रसाम की पैदाई से ये बातें हो रही थी कि कुछ मौजात हुए, तो इसका मतलब निशानी है कि प्रॉफिट अल्लाह के रसूल है। वर्का हज़रत खदीजा को बता रहे हैं कि ऐसी निशानी और बादल चलना एक रसूल के साथ है। बहीरा प्रॉफिट के सामने अबू तालिब को बता रहे हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लम बड़े होकर अल्लाह के रसूल बनेंगे, हमारी किताबों में इसकी प्रोफेसी मौजूद है। अब हर शख्स हजरत मोहम्मद सल्लम के बारे में बता रहा है कि प्रॉफिट मोहम्मद अल्लाह के रसूल बनेंगे, और आज वर्का बोल रहे हैं मोहम्मद आप अल्लाह के रसूल बन गए। सो प्रॉफिट मस्ट बी हैविंग, ऑब्वियसली सो मच वाज हैपनिंग एंड इट वाज अ लॉट टू प्रोसेस, इट वाज अ लॉट टू थिंक अबाउट, इट वाज अ लॉट टू सो मच टू अंडरस्टैंड। सो प्रॉफिट मस्ट बी लाइक, मस्ट हैव बीन लाइक, फाइन आई हैव बीन चोजन एज अ प्रॉफिट, इज इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? ओके फाइन, इफ इट इज अ गुड थिंग, व्हाट आई एम सपोज्ड टू डू, मुझे करना क्या है? तो वर्का ने प्रॉफिट को एक्सप्लेनेशन में इस बात को रियलाइज करवाया दैट मोहम्मद देयर इज अ हैवी ड्यूटी शोल्डर्ड ऑन योर शोल्डर्स एंड दैट ड्यूटी
is making your life upside down. Your entire your rest of the life is going to do is going to be spent doing only one duty: receiving the word of God, remembering the word of God, and delivering the word of God to the man of God. तो वर्का ने explain किया part A है. उस explanation ने prophet को realize करवाया immediately कि अब हुजूर की जिंदगी का एक ही मकसद है और वो है अल्लाह के पैगाम को पहुंचाना और फैलाना. तो वर्का ने जो एक्सप्लेन किया उसके बारे में तीसरा सिग्निफिकेंस ये है. मैंने पहले टाइप किया हुआ था, देखो. वर्का के एक्सप्लेनेशंस हेल्प प्रॉफिट टू रियलाइज कर देना भाई. वर्का के एक्सप्लेनेशंस हेल्प प्रॉफिट टू रियलाइज the heavy duty shouldered upon him. Next reading आ जाएगी हजरत खदीजा की. She was the first one to know and believe in Prophet's mission and career. Her consolation comforted Prophet so much so that. That he, peace be upon him, became ready to find out answers of his confusions. एक सवाल का जवाब दें. हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला की तरफ से प्रॉफिट को एक ईज मिली ना. हजरत खदीजा की एक और सिग्निफिकेंस भी तो है इस इवेंट में. प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को विद इन फ्यू डेज ही आपके मुश्किल तरीन सवालों का जवाब मिल गया. उसमें हजरत खदीजा का बड़ा कमाल है. एक बात बताएं आप, बस बड़ा क्लियर से जवाब दे दें मुझे कि अगर हजरत खदीजा प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू सुफियान के पास लेकर जाती हैं तो सवालों के जवाब मिलते हैं या नहीं मिलते. अगर प्रॉफिट हजरत खदीजा प्रॉफिट पीजवान को जो है वो लेट से ये जो है वो अबू जहल के पास ले जाती है, सवाल के जवाब मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? नहीं मिलते. सो हजरत खदीजा का सबसे बड़ा कमाल इसमें एक और ये भी रहा कि हजरत खदीजा ने शी वाज वाइज लेडी यूजिंग हर इंटेलेक्ट एंड विजडम शी चोज अ परफेक्ट मैन अ स्कॉलरली पर्सन हु हैपेंड टू बी हर कजन एज वेल हु कुड आंसर हु कुड लिसन टू द चैलेंजिंग क्वेश्चंस ऑफ प्रॉफिट एंड हु कुड आंसर टू दोस डिफिकल्टीज ऑफ हजरत मोहम्मद पीस अपॉन. तो ये तीसरा और आखिरी पॉइंट है दैट शी चोज द राइट मैन दैट इज वर्का who could answer difficult questions of Prophet Muhammad, peace be upon him. Iski baad aap padhein page number 12 pe jaake Bismillahirrahmanirrahim aur phir aap likhiye question A.
अजान भी हो रही है, मैं जितनी राइटिंग करूंगा आप वो कॉपी कर लेंगे। पेज नंबर 12 नया टॉपिक स्टार्ट हो गया है। मैं थोड़ी देर में दिखाता हूं अगला दूसरा पॉइंट। तो पहला क्वेश्चन है, गिवन अकाउंट ऑफ द वे इन विच प्रॉफिट पीस अपॉन हिम स्टार्टेड टू प्रीच इन द फर्स्ट फ्यू इयर्स आफ्टर ही बिगन टू रिसीव रेवलेशंस। सवाल बड़ा घुमा फिरा के पूछा हुआ है, लेकिन उन्होंने बेसिकली इसमें फोर इयर्स को रेफर किया हुआ है। वो फोर इयर्स में आपको क्वेश्चन की वर्डिंग से अभी समझाता हूँ, आप पहले क्वेश्चन कॉपी कर लें। जिनको पॉइंट्स नहीं मिले आज मैं पीडीएफ जब शेयर करूंगा उसमें पॉइंट्स मिल जाएंगे। ये पीडीएफ मौजूद है, आप स्क्रीन पे देख लो, ये रही पीडीएफ, इसमें सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इसमें से फिर घर पे काम कंप्लीट करना है, जिसका रह गया उसको छोड़ दो, मेरा टाइम कम है, मुझे अगला वाला सवाल करना है और ये लंबा जवाब है, इसलिए थीसिस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ, हाउ डिड इस्लाम ग्रो इन द इयर्स बिटवीन प्रॉफिट द प्रॉफिट पीस अपॉन हिज फर्स्ट रेवलेशन एंड हिज फर्स्ट पब्लिक प्रीचिंग इन मक्का। तो ये जो दोनों बातें हो रही है, इन दोनों सवालों को आप पहले समझ लें और इसके साथ मेरे साथ एक और बात समझे। जो मैंने आपको इवेंट्स लेवल टू फर्स्ट सेलिब्रेशन में बताई थी कि भैया मैं जब भी कोई क्वेश्चन अक्सर करवाता हूँ तो उसमें कभी इयर्स स्पेसिफाई होते हैं या एक सर्टन ड्यूरेशन तक आंसर स्टार्ट करके खत्म करना होता है। तो ड्यूरेशन जो है वो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ। और ड्यूरेशन, हाँ वेरी गुड, ये आ गया, दीना साहब ने जवाब लिख दिया। ड्यूरेशन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं यूज करता हूँ फ्रेम। तो इससे पहले कि मैं आपको पैराग्राफिंग करवाऊँ, आप मेरे साथ लिखोगे फ्रेम, लिखो नीचे फ्रेम। वो लोग जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया वो समझ लें, जब भी मैं किसी पैराग्राफिंग के साथ फ्रेम लिखवाता हूँ तो फ्रेम का मतलब होता है स्टार्टिंग ऑफ द आंसर एंड एंडिंग ऑफ द आंसर। तो वहीं भाई आपका जवाब सही नहीं है, अभी रुक जाइए, तसल्ली से देख लें। तो कह रहे जी, गिव एन अकाउंट ऑफ द वे इन विच प्रॉफिट मोहम्मद पियन स्टार्टेड टू प्रीच इस्लाम इन द फर्स्ट फ्यू इयर्स आफ्टर ही बिगन टू रिसीव रेवलेशंस। तो जब हुजूर सामने रेवलेशन रिसीव की, उससे लेके कुछ अगले सालों तक आपको जय वो प्रॉफिट मोहम्मद साहब की प्रीचिंग बतानी है। तो एक काम करते हैं, अगर मैं रिसीव रेवलेशन का ईयर देखता हूं तो ये बनता है 610 AD और अ फ्यू ईयर्स। अब अ फ्यू ईयर्स के लिए जरूरी तो ये है कि ऐसे एक बच्चा 13 लिख रहा है, 32 लिख रहा है, एक बच्चा 14 AD लिख रहा है, 22 AD लिख रहा है, इस पे फैसला मार्किंग स्कीम करती है। तो यहाँ पर अ फ्यू ईयर्स लिखने का मतलब ये होगा कि कुछ सालों की ही बात करनी है और यहाँ पर फोकस अर्ली प्रीचिंग पे ही है। तो यहाँ पर अ फ्यू ईयर्स जो है वो पहले 3 या 4 साल है। तो ये सीक्रेट प्रीचिंग का पूरा आंसर है, पहले 3 साल का अर्ली प्रीचिंग का, और जैसे ही ओपन प्रीचिंग और उसका रिएक्शन आएगा यहां से खत्म हो जाएगा। तो अ फ्यू इयर्स का मतलब जो है यहां पर हो गया 4 साल। तो यहां से जो है मैं पहले ये लिखूं, ये जो अ फ्यू इयर्स है ये हो गया हमारे पास
610 से लेके 614 AD, और यही हमारे पास फ्रेम हो गया। लिखो फ्रेम में, आंसर शुड स्टार्ट फ्रॉम 610 AD एंड इट विल एंड एट 614 AD। तो चौथा साल जो नबूवत का होगा, जिसमें प्रॉफिट पब्लिक प्रीचिंग करेंगे, जिसका एक रिएक्शन कुरैश की इनसिक्योरिटीज और कुरैश की तरफ से प्रोसिक्यूशन, अपोजिशन और प्रोसिक्यूशन आएगा। ये आंसर प्रोसिक्यूशन तक जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली यू नीड टू अंडरस्टैंड आज की क्वेश्चन में प्रीचिंग टॉपिक क्या है, अर्ली प्रीचिंग बाय प्रॉफिट। कल का टॉपिक क्या है, प्रोसिक्यूशन। आज के क्वेश्चन में प्रीचिंग के मार्क्स ज्यादा है, प्रोसिक्यूशन के मार्क्स कम। कल के क्वेश्चन में प्रोसिक्यूशन के मार्क्स ज्यादा होंगे, प्रीचिंग के मार्क्स कम। तो ये सवाल 610 एडी से शुरू होगा आंसर इसका, और 614 एडी पे खत्म होगा। आप पहले ये फ्रेम छाप लो, मैं इसको समझाता हूं, आप पहले कॉपी कर लो। मैंने ईयर ऐसे फाइंड किया कि भाई रिसीविंग रेवलेशन का ईयर 610 एडी है और उसके बाद फ्यू ईयर 614 एडी है। अब मैं इसको सर्टन इस तरह से हुआ कि मार्किंग सीन में भी उसने सिर्फ नबूवत के चौथे साल तक आंसर लिखा हुआ है, तो ये चार साल का आंसर है, तो मैंने ऐसे जो है बात समझ ली। अब आप लोग स्क्रीन देख लेंगे तो स्क्रीन देख के बात समझ में आ जाएगी, जिन लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है उनकी कंफ्यूजन दूर करते हैं। सो मैं जब भी देखता हूँ हजरत मोहम्मद सलम की नबूवत के ईयर्स, तो प्रॉफिट मोहम्मद सलम की जो अपोसलशिप के ईयर्स हैं वो 23 हैं। 23 ईयर्स में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो 13 साल मक्का में रहे और 10 साल मदीना में रहे। अब मुझे बताइए, इफ प्रॉफिट लिव्ड फर्स्ट 13 इयर्स ऑफ वॉज इन मक्का एंड लेटर 10 इयर्स इन मदीना, तो अर्ली प्रीचिंग मदीना में होगी या मक्का में? अर्ली प्रीचिंग मदीना में होगी या मक्का में? मक्का में। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस आंसर में ओपन यानी मदीना का कोई भी जिक्र नहीं है। अब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लम जब मक्का में रह रहे थे, तो मक्का में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब रिहाइश थी, तो उस टाइम पे प्रॉफिट पीस अपॉन ने दो तरह की प्रीचिंग की। पहले 3 साल आपने सीक्रेट प्रीच किया और आखिरी 10 साल आपने जो है वो ओपन प्रीच किया। लेकिन यहाँ पर हम आखिरी 10 साल पूरे नहीं लिखेंगे, क्योंकि एग्जामिनर ने हमें यहाँ पर समझा दिया कि भैया आप जैसे ही ओपन प्रीचिंग में प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो आंसर खत्म कर देना, क्योंकि हम मार्क्स सीन के हिसाब से चलेंगे और ऑब्वियसली अर्ली प्रीचिंग ऑलरेडी इतना बड़ा टॉपिक है कि इतना एक्सटेंसिव आंसर बन जाएगा कि हम सिर्फ प्रोसिक्यूशन को रेफर कर पाएंगे, प्रोसिक्यूशन को इलेबोरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रोसिक्यूशन का सेपरेट क्वेश्चन आता है, इसमें प्रोसिक्यूशन की तफसील नहीं देंगे। अब इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, क्योंकि मुझे पूरे आंसर में ये बात समझानी है, तो थोड़ा सा खाका और थोड़ा सा नक्शा मेरे साथ समझ दो। प्रॉफिट ने जो 3 साल सीक्रेट प्रीच किया था, इसमें सबसे पहले हजरत मोहम्मद सल्लम ने अपने क्लोजेस्ट को इनवाइट किया। ये जरा साइकिल समझना, ताकि मेरा जब आंसर में एक्सप्लेन करूं तो आपको ज्यादा तकलीफ और परेशानी ना हो। जब प्रॉफिट क्लोजेस्ट को प्रीच कर रहे थे, तो क्लोजेस्ट में आपने सबसे पहले हजरत खदीजा को बताया, अबू बकर सिद्दीक कन्वर्ट हो गए, हजरत अली, हजरत ज़ैद बिन हारिसा। अब इन क्लोजेस्ट लोगों ने अपने करीबी लोगों को बताया, हजरत अली जाके अपने कजन को, हजरत अली जाके अपने भाई को बताते हैं, नाम है जाफर बिन अबू तालिब, वो कन्वर्ट हो जाते हैं, जुबैर बिन अवाम कन्वर्ट हो जाते हैं। उधर से अबू बकर सिद्दीक को जब बताया, तो अबू बकर सिद्दीक अपने दोस्तों को ले आया, अबू बकर सिद्दीक अबू बैदा को ले आया, अगले दिन असद उस्मान को ले आया, अबू बैदा को ले आया, अब्दुल रहमान को ले आया। तो जब प्रॉफिट ने अपने करीब तरीन मोस्ट ट्रस्टेड लोगों को बताया, उन मोस्ट ट्रस्टेड लोगों ने भी अपने मोस्ट ट्रस्टेड लोगों को बताया, तो इस्लाम खामोशी से सीक्रेटली और क्वाइटली स्पीच होना शुरू हुआ। लेकिन अभी बात कहां पर है, सिर्फ क्लोजेस में। अब हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा है, हाँ खदीजा की एक दोस्त थी जो प्रॉफिट की चाची थी, और उनका नाम था हजरत जो है वो उम्मे फजल, जिनको हजरत दुबैबा भी बोलते हैं। तो ये जो हजरत उम्मे फजल है, हजरत फजल अब्दुल्ला बिन अब्बास जो है उनकी जो है वो वाइफ है, हजरत फजल बिन अब्बास की अम्मी है। तो ये हजरत खदीजा की दोस्त थी, इन्होंने हजरत खदीजा ने हजरत उम्मे फजल को बताया, हजरत उम्मे फजल एक्सेप्टेड इस्लाम, हजरत उम्मे फजल ने जाके ये बात अपनी 3 बहनों को बताई, हजरत मैमूना, हजरत अस्मा, हजरत सलमा, ये तीनों भी मुसलमान हो गई। अब हो क्या रहा है, प्रॉफिट इज टेलिंग टू हिज क्लोजेस्ट मेंबर नेम हजरत खदीजा, शी इज शेयरिंग द न्यूज विद हर वन ऑफ हर बेस्ट फ्रेंड्स नेम हजरत जो है वो उम्मे फजल, और वो अपनी बहनों से बता रही है कि ये राज ही रखना है, लेकिन ये बात अब अपीलिंग है, समझ में आ गई, इस्लाम कबूल कर लिया। तो इनिशियली ना पैगाम क्लोजेस्ट मेंबर्स में था, अब उसका प्रॉफिट ने जो है सर्कल जो है एनहांस किया। अल्लाह ने हुक्म दिया, सूरह शौरा की आयत आई, और सूरह शौरा चैप्टर नंबर 26 वर्स 214 में अल्लाह ने हुक्म दिया कि ए नबी अब अपना दायरा वसी कीजिए और अब अपने ट्राइब को इन्वाइट कीजिए। तो प्रॉफिट जब क्लोजेस्ट के सर्कल से निकलते हैं और उन क्लोजेस्ट के यानी उस मामला फैला, तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लम ट्राइबल प्रीचिंग पे गए, और हुजूर ने जब ट्राइब को प्रीच किया, इस ट्राइब का नाम बनू हाशिम है, तो बनू हाशिम से हुजूर इस्लाम को मिक्स रिएक्शन मिला, पर इस मिक्स रिएक्शन में नबी इस्लाम को ट्राइबल प्रोटेक्शन मिल गई। जैसे ही ट्राइबल प्रोटेक्शन मिलती है, तो अल्लाह पाक हुजूर इस्लाम पर सूरह हिजर की वर्स नंबर 94 नाजिल करते हैं कि ए नबी अब आपको पब्लिक प्रीचिंग के लिए जाना है। तो हुजूर इस्लाम सीक्रेट प्रीचिंग के डिफरेंट फेजेस से गुजरते हुए 3 साल के बाद
यानी नबूवत के चौथे साल में ओपन प्रीचिंग का काम करते हैं। तो ये प्रॉफिट पीस ऑन के कहां से शुरू हुआ, केव हिरा इंट्रोडक्शन हो गया, सीक्रेट प्रीचिंग पैराग्राफ नंबर 2 हो गया, ओपन प्रीचिंग पैराग्राफ नंबर 3 हो गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने ये बात समझी कि जैसी ओपन प्रीचिंग हुई तो इसके दो रिएक्शन आए। नंबर 1, कुरैश बिकेम इनसिक्योर फ्रॉम द रिलीजन इस्लाम, और कुरैश की इनसिक्योरिटीज का जो रिएक्शन निकला वो क्या था, अपोजिशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑन प्रॉफिट एंड हिज फॉलोअर्स। तो अब मुझे पूरे 4 साल की स्टोरी मिल रही है। मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर रहा हूँ, उसमें मैं प्रॉफिट के नबी होने का जिक्र कर रहा हूँ, उसके फौरन बाद मैं जा रहा हूँ अल्लाह का भला करे इंट्रोडक्शन के फौरन बाद मैं पहुंच गया सीक्रेट प्रीचिंग में, उसके दोनों फेज बताए क्लोजेस्ट टू क्लोजेस्ट को, उसके बाद ट्राइब को, उसके फौरन बाद P3 में मैं ओपन प्रीचिंग पे गया। लेकिन ओपन प्रीचिंग के बाद पता चला कि उसके फौरन बाद रिएक्शन बहुत सिवियर और एग्रेसिव आया, वो प्रोसिक्यूशन था। P4 प्रोसिक्यूशन मेरा कंक्लूसिव पैरा होगा, जितना टाइम बचा डेढ़ मिनट में लिख दूंगा, 2 मिनट में लिख दूंगा, क्योंकि प्रोसिक्यूशन तो मेरा कंक्लूजन है, प्रोसिक्यूशन मेरा जो है वो डिटेल आंसर नहीं है। अब याद रहे आज का टॉपिक अर्ली प्रीचिंग है। आज प्रीचिंग के मार्क्स 8 हैं, प्रोसिक्यूशन के मार्क्स 2 हैं। कल का टॉपिक प्रोसिक्यूशन है, कल प्रीचिंग के मार्क्स 2 हो जाएंगे, प्रोसिक्यूशन मार्क्स 8 हो जाएंगे। तो सवालों को समझना बहुत जरूरी है। आप देख ले, मैं पिछले 10 मिनट से सिर्फ आपको क्वेश्चन और उसका फॉर्मेट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि अगर स्टूडेंट ने क्वेश्चन ही रॉन्गली अंडरस्टैंड किया या पिक किया तो ये तो इसका मतलब हो गया बर्बादा, और जो है वो मामला जो है वो खराबी की तरफ चल गया। तो जो आपने फ्रेम लिखा है उसके नीचे 4 पैराग्राफ बनाइए। P1, P2, P3, P4। P1 में आ गया इंट्रोडक्शन, P2 में सीक्रेट प्रीचिंग, ओपन प्रीचिंग और प्रोसिक्यूशन। अगर लिखना ही चाह रहे हो तो सीक्रेट प्रीचिंग के लिए जब बात करोगे तो यहाँ पर आप ये वाली आयत कोट करोगे 26:214। अगर आप ओपन प्रीचिंग पे बात करोगे तो आपको यहाँ पर 15:94 सूरह हिजर की आयत कोट करनी। इंटरनेट साफ स्लो हो गए, मैं दोबारा स्क्रीन रीस्टार्ट करता हूँ, पहले इसको नजारे में आने दें। हाँ, मैं आगे से मुझे डिवाइसेस रीस्टार्ट करनी पड़ेंगी, कोई गड़बड़ है आज जो है ना, स्क्रीन के लैग होने की क्या वजह है समझ में नहीं आ रहा। सूरह शुआरा और सूरह हिजर। जी सर, मैं आईपैड यूज कर रहा हूँ, आईपैड प्रो ब्रो। दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ, हो सकता है बेहतर हो। अच्छा जी, इससे पहले कि आई मूव फॉरवर्ड एंड आई स्टार्ट, आई वुड लाइक टू हैव फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम यू गाइस। और आप मेरे सवालों का जवाब देंगे तो मेरा P1 खत्म हो जाएगा। कुड यू प्लीज टेल मी, मैं कहीं बात रोकूंगा तो आपने उसको जो है वो कंप्लीट करना है। मैं P1 आपको समझा रहा हूँ क्योंकि हमें ज़्यादा तेज काम करना पड़ेगा, P2 P3 में डिस्कशन बहुत लंबी है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसीव्ड फर्स्ट रेवलेशन इन द ईयर, जल्दी टाइप करो जवाब दो, आगे बढ़े भाई। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसीव्ड द फर्स्ट रेवलेशन इन द ईयर 610 AD व्हाइल ही वाज मेडिटेटिंग इनसाइड द केव ऑफ हिरा। सडनली ही वाज विजिटेड बाय द एंजल कॉल्ड Hazrat Jibreel al-Islam। ठीक है, तो ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली वही आ गई। अब मैं आगे बोलूंगा तो मुझे सब सवालों के जवाब चाहिए, क्योंकि मैंने कल ये पढ़ा दिया है, आज रिपीट हो रहा है कि कल वाला जो टॉपिक था आज खाली इंट्रोडक्शन बनेगा। लेकिन ये इंट्रोडक्शन मैंडेटरी है, इस इंट्रोडक्शन को हटाना, यहाँ पर अननोन बीइंग ही यहाँ पर एंजल बोलेंगे, क्योंकि अननोन बीइंग से केवेला में बोलना है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेयर्ड दिस एक्सपीरियंस विद दीस टू पीपल फर्स्ट, किन दो लोगों से प्रॉफिट ने सबसे पहले एक्सपीरियंस शेयर किया, हजरत खदीजा और दूसरे कौन थे, वर्का।
ये बताओ हजरत खदीजा ने प्रॉफिट पर बिलीव किया या डिसबिलीव किया? खदीजा ने प्रॉफिट पर बिलीव किया और वो फर्स्ट मुस्लिम अडल्ट फीमेल बन गई। ये बताइए वर्का बिन नौफिल ने प्रॉफिट को कंफ्यूज किया या आपकी प्रॉफिट को कंफर्म किया? वर्का कंफ्यूज प्रॉफिट और ही कंफर्म प्रॉफिट अपोस्टलशिप। वर्का कंफर्म हजरत मोहम्मद पीजन अपोस्टलशिप। सही है भाई। So, इसके बाद ये जो पूरा प्रोसीजर हो गया, प्रॉफिट की वर्का से बात हो गई, मुझे ये बताइए सूरह मुदस्सिर फौरन आई या देयर वाज अ ब्रेक? सूरह मुदस्सिर की आयतें फौरन आई या देयर वाज अ ब्रेक? देयर वाज अ ब्रेक इन रेवलेशन ना। अब वो ब्रेक्स कितने दिन का था? अगर कल की क्लास याद है तो जवाब दुरुस्त आएगा। ब्रेक कितने दिन का था? फ्यू वीक्स, सिक्स मंथ्स जवाब नहीं लिख सकते, क्योंकि सिक्स मंथ्स, थ्री ईयर्स और 21 डेज, इन सब में बहस है मुफस्सिरीन में। तो हमने इसके लिए तय किया कि वी विल मेंशन दैट प्रॉफिट वाज गिवन ब्रेक इन रेवलेशन व्हिच वाज आवर फ्यू वीक्स। फ्यू वीक्स में हम लोग जो है मंथ्स और जो है वो वीक्स के साथ जो है उससे सबको कवर कर सकते हैं। अच्छा, जो इनिशियल वर्सेस प्रॉफिट पर आ रही थी, दीज वर्सेस आर मेनली ऑन टू टॉपिक्स। द टॉपिक नंबर वन वाज मोनोथीज्म, बिलीव इन द इनिशियल वर्सेस व्हिच आर रिवील्ड ऑन प्रॉफिट, दे वर बेस्ड ऑन टू टॉपिक्स। नंबर वन यूनिटी ऑफ अल्लाह, नंबर टू रिजेक्शन ऑफ आइडोलेट्री, जिसको आप बोलते हैं आइडल वर्शिपिंग। बात समझना, प्रॉफिट पीस वन पे आयत आती है, उसके बाद ब्रेक आता है, ब्रेक के बाद नबी इस्लाम पर जो आयत आती है वो सूरह मुदस्सिर की है। हजरत खदीजा सेड दैट कि प्रॉफिट वाज शिवरिंग एंड सडनली ही वोक अप एंड स्टार्टेड रीडिंग द वर्सेस ऑफ सूरह मुदस्सिर। आई ट्राइड टू कंफर्ट हिम, आई ट्राइड टू पुट हिम बैक टू स्लीप, बट प्रॉफिट सेड खदीजा द टाइम ऑफ स्लीप इज ओवर, एंजल केम टू मी एंड ऑर्डर्ड मी टू प्रीच इस्लाम। और खदीजा, फ्रॉम वेयर शुड आई बिगिन, हु वुड लिसन टू मी, हु वुड बिलीव इन मी? देन हजरत खदीजा सेड आई लिसन टू यू, आई बिलीव इन यू, एंड बाय दिस शी बिकेम द फर्स्ट मुस्लिम अडल्ट फीमेल। तो हजरत मोहम्मद पे ब्रेक के बाद सूरह मुदस्सिर आई, तो सूरह मुदस्सिर के बाद आयतें कैसे आई उसको उर्दू में बोलते हैं तवातुर से। सो नाउ प्रॉफिट मोहम्मद स्टार्टेड रिसीविंग रेवलेशंस इन अ कंटीन्यूअस मैनर, इनसेसेंटली इनसेसेंटली प्रॉफिट मोहम्मद पे अब कंटिन्यूटी के साथ रेवलेशन आ रही है, उसमें ब्रेक ज्यादा नहीं दिए जा रहे। अब जो इनिशियल वर्सेस इनके टॉपिक से यूनिटी ऑफ अल्लाह जिसको आप बोलते हैं तौहीद, और नंबर टू दूसरा जो टॉपिक था वो था रिजेक्शन ऑफ आइडोलेट्री, सोसाइटी में पॉलीथिज्म आइडल वर्शिपिंग छाया हुआ था। तो तौहीद जैसे ही आएगी, एक खुदा की इबादत, तो वो फौरन मुकाबला करेगी मल्टीपल गॉड्स वाली आइडियोलॉजी को। तो सिंस देन व्हेन प्रॉफिट पीस ऑन स्टार्टेड रिसीविंग रेवलेशंस, रेवलेशन कंटिन्यूएशन भी आ गई है, पैगाम भी मिल गया, हुक्म भी आ गया, सो प्रॉफिट पीस ऑन स्टार्टेड हिज न्यू करियर ऑफ प्रीचिंग इस्लाम, वहीं से आपने तबलीग का काम शुरू किया। अब जब हम पी टू पे जाएंगे तो हम बताएंगे ही बिगन करियर प्रीचिंग इस्लाम बाय डूइंग इट सीक्रेटली बिकॉज इट वाज ऑर्डर्ड बाय अल्लाह, और वो सीक्रेट प्रीचिंग की तफसीलात बाद में बताएंगे। अब आप पहले पी वन लिखो मेरे साथ, अब हाथ तेज चलाना, थोड़ी ज्यादा राइटिंग है लेकिन उम्मीद है कि आप काम तेज तेज कर लेंगे। लिखें जी पी वन इन द ईयर 610 AD Prophet peace be on him received first revelation in cave Hira through angel Jibril. In the year 610 AD, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam received first revelation in cave Hira through angel Jibril. He peace be upon him shared his experience with his wife and her cousin first. Khadija believed in him and Hazrat Barqa confirmed his prophethood. Khadija believed in him and Hazrat Barqa confirmed his prophethood. After this, Prophet Muhammad peace be upon him was given a break in revelation. After the revelation of
verses of Surah Mudassir, revelations became more frequent and common. Initial verses were mainly about the unity of Allah and rejection of idolatry. Since then, Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam started his career of preaching Islam. जल्दी आज चलाने बेटा आज जो है वो लेक्चर राइटिंग बहुत सारी सांसें चलती रहेगी, सांस थोड़ा लंबा है. सो मैंने P2 के भी 3 points भेज दिए, किसी को कन्फ्यूजन में सवाल पूछ ले. मैं इतनी देर कॉपी भी कर लूँ उसको, क्योंकि बीच में बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भाई हमें कॉपी करके भेज दें, हमसे पॉइंट्स मिस हो गए. एक बार मैं इसको कॉपी रख लूँ, पेस्टिंग आसान. जी स्टार्ट कर दूं. P1 का फर्स्ट पॉइंट है, इन द ईयर 610 AD प्रॉफिट रिसीव फर्स्ट रिवेलेशन इन केव हिरा थ्रू एंजल जिब्राइल. जी जनाब, जवेरिया अननोन बीइंग की डिमांड जो है वो केव हिरा की स्टोरी टेलिंग में है. Obviously, when we are writing the story, which is referring to the further years after the event of Cave Hira, तो Cave Hira तो हो चुका है ना. अब Cave Hira नहीं, Cave Hira के reference से further connecting stories discuss हो रही हैं. So obviously, उसमें angel ही नाम लिखेंगे. अब बार-बार unknown being नहीं आएगा. It is a demand only. According to marking scheme, it was a demand. Writing the phrase of unknown being is a demand for the while covering the story of Cave Hira. तो उसके बाद आपने कहीं unknown being नहीं बोलना. आपने हमेशा angel Jibril कह के ही refer करना. Can start. If you would like to write the age of Prophet, that's your choice. So, abhi bhi kaise the in the year 610, when Prophet was 40 inside the cave of Hira, he received the first revelation through Angel Jibril in the night of power. Wo point ko lamba karega, aage answer bahut lamba hai. So, remember that you are writing an introductory paragraph. Lekin ye bhi yaad rakhna hai ki is introduction mein kuch points aise hain jo ki marking scheme ke hain, jo break in revelation hai, jo rejection of idolatry wala point hai. और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले किनसे शेयर किया, तो ये वाला पैराग्राफ लिखना मैंडेटरी होगा. इसको ऑप्शनल पैराग्राफ मत समझिएगा. एंजल जिब्राइल ने खुद आगे अपना नाम बताया था, और वर्का बिन नौफल ने भी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लम को एंजल जिब्राइल का नाम बताया था, रेफरिंग टू हजरत मूसा अलैहि ईसा के, दैट्स द सेम एंजल जिब्राइल हु यूज्ड टू कम टू द प्रीवियस प्रॉफिट नेम हजरत मूसा अलैहि ईसा. चले जी, अब मैंने आपको पैराग्राफ नंबर 2 में बताया कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाय द ऑर्डर्स ऑफ अल्लाह ऑब्वियसली हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टार्टेड हिज न्यू करियर ऑफ प्रीचिंग इस्लाम.
So when he started preaching Islam, he decided he's going to do this thing by preaching secretly. Or ye decision jo prophet ka tha, it was inspired by the divine instruction, kyunki Allah ki taraf se aapko kabhi kabhi message ko hidden rakhna hai, secret rakhna hai. So huzur ki secret preaching mein jisme closers ke bhi closers ko, dost se dost ko aur uske colleague ko aur uske aziz ko uske pyare ko, ya phir Hazrat Khadija ke dost se unke behno tak, yun jab Islam phailna shuru hua. So ye gradually 3 saal ke period mein around 40 Muslims or around 40 members of Makkah, they accepted Islam or they converted. To ye 40 ya 40 number likhna munasib nahi hoga, taqreeban 40, so around 40 munasib hai, 40 number nahi likhna, yahi maine aapko last point bheja hua hai. Iske aage aapne kya copy karna hai usko samajh lijiyega pehle, fir copy hoga. So un 40 logon mein se kuch logon ko to explain karna hai. Dekho Khalid bin Sayyid hai, Usman hai, Talha hai, Zubair hai, Abu Ubaidah, Abdul Rahman bin Auf hai, Hazrat jo hai wo Umm Fazl hai, Hazrat Salma hai, Hazrat Asma hai, Hazrat Maimuna hai, to Hazrat jo hai wo Abdullah bin Masood hai, yahan par jo hai wo Abdul Rahman bin Auf wagaira, Hazrat Talha, Hazrat Zubair, Hazrat Jafar bin Abu Talib hai, ye sare early converts mein se hain. Unme se aapko mashhoor tareen 4 hi log hain jinke bare mein aapko baat karni hai, aur sirf names refer honge par kuch logon ke bare mein aapko tafseel deni hai. Unme jo jinki tafseel aapko deni chahiye wo 4 log hain. To few converts included mein Hazrat Khadija, Hazrat Abu Bakr Siddiq, Hazrat Zaid bin Haris, इनके बारे में आपको लिखनी होंगी 2 to 3 lines each. अब मुझे इतना खौफ आ रहा था इस पॉइंट पे, अगर स्टूडेंट, क्योंकि दीज आर द फोर दोस्ट पर्सनैलिटीज जिनके बारे में बचपन से पढ़ते गए हैं, कहीं खुदा ना करे बच्चा इसके बारे में ज्यादा लिख बैठा, तो इसमें ज्यादा लिखने से नुकसान तो नहीं होता कि एग्जामिनर नेगेटिव मार्किंग करेगा, पर प्रॉब्लम ये होता है कि इधर इतना वक्त लगा दोगे कि आगे के क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं बचेगा. तो प्लीज ये बात याद रखना कि ये चारों के बारे में आपने विद इन 10 lines कहानी खत्म कर देनी है. इन सब के बारे में और कुछ आपको पहले लिखना है या नहीं लिखना है, मैं आपने इन सब के बारे में एक एक लाइन जो लिखनी है और मेरे साथ पहले याद कर लो, बल्कि मैं पहली लाइन बोलूंगा, उम्मीद है कि आगे जवाब देना आप शुरू कर देंगे. हजरत खदीजा वाज अ फर्स्ट मुस्लिम अडल्ट फीमेल. अगर हजरत खदीजा फर्स्ट मुस्लिम अडल्ट फीमेल थी तो अबू बकर सिद्दीक क्या थे? जी अबू सिद्दीक क्या थे? फर्स्ट मुस्लिम अडल्ट मेल. हजरत खदीजा फर्स्ट मुस्लिम अडल्ट फीमेल हैं, हजरत अबू सिद्दीक फर्स्ट मुस्लिम अडल्ट मेल हैं, तो हजरत अली क्या हैं? हजरत अली क्या हैं? फर्स्ट मुस्लिम चाइल्ड हैं. अब देखना जवाब गलत आएगा. हजरत जैद बिन हारिस क्या हैं? फर्स्ट मुस्लिम स्लेव. जवाब सही नहीं है, इनकम्प्लीट जवाब है. हजरत जैद बिन हारिस वॉज फर्स्ट मुस्लिम फ्री स्लेव या फर्स्ट मुस्लिम फ्रीड स्लेव, बिकॉज व्हेन हजरत खदीजा गिव जैद बिन हारिस टू प्रॉफिट, प्रॉफिट ने उनको आजाद कर दिया था, तो हजरत जैद बिन हारिस वाज फर्स्ट मुस्लिम फ्री स्लेव. तो मुझे बताओ फर्स्ट मुस्लिम स्लेव कौन थे? फर्स्ट मुस्लिम स्लेव कौन थे सर? ये तो फर्स्ट मुस्लिम फ्रीड स्लेव हैं. फर्स्ट मुस्लिम स्लेव थे हजरत बिलाल हबशा रजी अल्लाह तआला अन्हु. अब ये एक एक लाइन तो इनके बारे में आएगी, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा हवाला दूं ताकि मेरे लेक्चर से आपको बाद में रिकॉर्डिंग सुन के मदद मिले कि व्हाट काइंड ऑफ लाइंस यू शुड बी राइटिंग अबाउट दीस फोर अमेजिंग पर्सनालिटीज. Hazrat Khadija was the first one to know about Prophet's new career and mission, and she readily embraced Islam. By this, she became the first Muslim adult female. Abu Siddiq, when he returned from a journey and he came to know about Prophet, peace be upon him, had been claiming that he became the Rasul of Allah. After having a small conversation, he readily believed in Prophet Muhammad, peace be upon him. By this, Abu Siddiq became the first Muslim adult male. Hazrat Ali was a part of Prophet's household because he was living under the supervision and the care and under the care of Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam and Hazrat Khadija. Hazrat Ali, one day he saw Prophet and Khadija, they were worshipping in a different style, jisme unke samne koi idol situated nahi tha. So Hazrat Ali posed a question to Prophet about this new style of worshipping. When Prophet gave answers to Hazrat Ali, along with that, Prophet also invited Hazrat Ali towards a monotheistic faith for Islam. Because Hazrat Ali pehle Deen-e Ibrahimi ke follower the, Prophet ne unko Deen-e Muhammadi tak invite kiya. एक रात के सोचने का टाइम लिया. नेक्स्ट मॉर्निंग अर्ली इन द मॉर्निंग ही हैड गॉन टू प्रॉफिट सर्विस एंड देयर ही एक्सेप्टेड इस्लाम. बाय दिस ही बिकेम द फर्स्ट मुस्लिम चाइल्ड. हजरत ज़ैद बिन हारिसा, ही हैड बीन लिविंग अंडर द केयर ऑफ प्रॉफिट, ही बिकेम प्रॉफिट पीस ऑन अडॉप्टेड सन एंड फ्रीड स्लेव, एंड बिकॉज ही ट्रस्टेड प्रॉफिट पीस अपॉन मोर देन हिज एक्चुअली बायोलॉजिकल फादर. सो देयर हजरत ज़ैद बिन हारिसा, व्हेन ही केम टू नो दैट प्रॉफिट पीस ऑन हैड स्टार्टेड प्रॉफिट पीस ऑन बिकेम द रसूल ऑफ अल्लाह, ही आल्सो बिकेम द फॉलोअर ऑफ प्रॉफिट. बाय दिस ही बिकेम द फर्स्ट मुस्लिम फ्रीड स्लेव. तो इन चारों के बारे में मैंने जो बोला, ये लिखने में भी तकरीबन आपको 15 टू 20 लाइंस लग जाएंगे. प्लीज 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 जब आप इन चारों को कवर कर रहे होंगे, अगर आपने देखा कि 10 लाइंस एक्सीड हो गई हैं और सिर्फ हजरत खदीजा, अबू बकर सिद्दीक, हजरत अली हुए हैं, तो आप चारों को नहीं किसी तीन को एक्सप्लेन कीजिएगा. तो अगर आपको 10 lines, क्योंकि आगे आंसर बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव है और उस आंसर को प्रोसिक्यूशन तक ले जाने का टाइम कम बच गया, तो फिर इसका मतलब आप टाइम मैनेजमेंट में बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हो जाएंगे. इसलिए अगर आपको लगता है 10 lines से ऊपर ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन एक्सीड हो गई है, तो 3 के बारे में लिखिएगा, 4 के बारे में मत लिखिएगा. कॉपी कीजिए इसको.
लास्ट पॉइंट आपने लिखा है फ्यू कन्वर्ट्स इंक्लूडेड, अब ये कॉपी करो, हजरत खदीजा, हजरत अबू बकर, हजरत अली, हजरत ज़ैद बिन हारिस, कॉपी करो इसको। नहीं, इब्राहिम खैरी को हजरत अली ने उसको डिक्लेयर किया था, अभी टॉपिक में आएगा, इंतजार करो, ये आगे आएगा। अभी पता नहीं स्क्रीन क्यों लैग कर रही है आज। स्क्रीन ही हैंग हो गई है। फ्यू कन्वर्ट्स इंक्लूडेड के आगे आपको ऐड करना है ए बी सी डी करके लिखिएगा, ए हजरत खतीजा, बी हजरत अबू बकर, ऐसे लिख देना, ए हजरत खतीजा, बी हजरत अबू बकर, सी हजरत अली, डी हजरत ज़ैद बिन हारिस या हारसा, और उसके आगे लिखिएगा राइट टू टू थ्री लाइन्स ईच, टू टू थ्री लाइन्स ईच। जी अब मुझे देखना है कि किसको मेरा लेक्चर याद हो रहा है, क्योंकि मुझे इस लेक्चर में कोशिश करनी है कि ज्यादा आपसे बात करूं और आपको याद करने की कोशिश करूं। ये बताया हजरत खदीजा ने मैसेज शेयर किया था अपनी एक दोस्त के साथ जो कि प्रॉफिट पीरम की जो है वो चाची लगती हैं, तो वो खातून कौन थी, उनका नाम किनको याद रह गया? शी वॉज द मदर ऑफ हजरत फजल बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला, तो उनका नाम है हजरत उम्मे फजल। हजरत खदीजा ने हजरत उम्मे फजल, ये फीमेल कन्वर्ट्स आ गए। देखो अब हमने यहाँ पर फीमेल का जिक्र बहुत करना है, क्योंकि जो है वो मामला मुनासिब नहीं रहता कि यहाँ पर मेल मेंबर्स के अलावा बहुत सारी खवातीन का भी इस्लाम में बहुत रोल है। हजरत उम्मे फजल ने ये बात अपने तक महदूद रखी, अपनी बहनों को बताई, अपनी बहनों को बताया, उनकी बहनों की कौन किन के नाम याद हो गए? हजरत उम्मे फजल सिस्टर्स, दे आल्सो एक्सेप्टेड इस्लाम, द नेम्स आर हजरत मैमूना, हजरत अस्मा, हजरत सलमा। हजरत मैमूना, हजरत अस्मा, हजरत सलमा, सलवानी सलमा। उधर से जब हमने देखा हजरत अली ने ये बात शेयर कर ली अपने कजन और अपने भाई के साथ, नाम बताओ। हजरत अली ने जब शेयर किया अपने कजन अपने भाई के साथ, वो भी मुसलमान हो गए। हजरत अली के भाई हजरत जाफर बिन अबू तालिब रजी अल्लाह तआला, ही एक्सेप्टेड इस्लाम, अर्ली कन्वर्ट्स में से हैं। और कजन कौन है जो कि प्रॉफिट के भी कजन है, हजरत अली के भी कजन है, नाम है हजरत जुबैर बिन अफ्फान। अबू बकर सिद्दीक जो है नेक्स्ट डे लाए हजरत उस्मान को, उसके नेक्स्ट डे अबू बैदा को, उसके नेक्स्ट डे अब्दुल रहमान बिन औफ को। यूं ही हजरत बिलाल भी मुसलमान हो रहे हैं, हजरत अमार बिन यासर भी मुसलमान हो रहे हैं, उधर से खालिद बिन सैद मुसलमान हो रहे हैं। अभी सारे नाम तो नहीं लिख सकते, तो कुछ नाम लिख के हम ये दिखा देंगे, भाईजान आपने जितना पूछा हम उतना बता रहे हैं, वरना इन्फॉर्मेशन वहां पर ठीक ठाक है। अर्ली कन्वर्ट्स की एक बड़ी लिस्ट है, हमें कम से कम 15-20 नामों के बारे में जानकारी है, लेकिन वी आर राइटिंग फ्यू, क्योंकि जितना हमसे जो है पूछा गया उतना जो है यहाँ पर नाम लिखा जाएगा। तो इसके बाद आपका पॉइंट नंबर 4 में टाइप कर रहा हूँ, देखो फ्यू फीमेल कन्वर्ट्स इंक्लूडेड। नेक्स्ट पॉइंट देखो, पॉइंट नंबर 4, फ्यू फीमेल कन्वर्ट्स इंक्लूडेड हजरत उम्मे फजल एंड हर सिस्टर्स। Few female converts included Hazrat Umme Fazl, who happened to be the wife of Hazrat Abdullah bin Abbas رضی اللہ تعالیٰ. She was also the mother of Hazrat Fazl bin Abbas, and she was the auntie of Hazrat Muhammad peace be upon him. She shared the message with her sisters named Hazrat Maimuna, Hazrat Asma, Hazrat Salma. They also accepted Islam. Few female converts included Hazrat Umme Fazl and her sisters. When you are done, लिखने के बाद मुझे आखिरी नाम बता दीजिएगा, क्योंकि आखिरी नाम की स्टोरी आगे जो है तफसील से आ रही है। जल्दी शाबाश सर, पॉइंट नंबर 4 और 5 आ गया है। अब ये सारे नाम में से आपने जो नाम मिस नहीं करना वो आखिरी नाम है, मुझे फोर्थ पॉइंट का आखिरी नाम बता दें। फिफ्थ पॉइंट का आखिरी नाम क्या है? फिफ्थ पॉइंट का आखिरी नाम है हजरत अलकम।
अब अगर तड़कम याद रखना है क्योंकि आगे स्टोरी अगर तड़कम की आ रही है। इस पूरी लिस्ट में से हजरत अन्ना, हजरत जुबैर, हजरत उस्मान, हजरत खालिद बिन सईद, अबू बैदा बिन जराह, अब्दुल रहमान बिन औफ, हजरत जुबैर, हजरत जाफर बिन अबू तालिब वगैरह वगैरह कोई भी मिस हो जाए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हजरत अलकम की स्टोरी मिस नहीं होनी चाहिए, हजरत अलकम का नाम नहीं मिस होना चाहिए। पॉइंट नंबर 5 में से जितने नाम खाने हैं खा जाए, हजरत अलकम का नाम मिस नहीं होना चाहिए। क्यों? अगले पॉइंट में आपको बात समझ में आ जाएगी। तो मैं स्टार्ट कर दूं, जल्दी बताएं, लिख लिया तो डन लिखें फटाफट यार, मैं आगे बढ़ूं क्योंकि मुझे अंदाजा है कि इसमें राइटिंग में बहुत टाइम लगता है, थोड़ा स्लो चलना पड़ता है इसमें। देखिए, इस्लामियत में कंफ्यूजन नहीं पालनी है बिल्कुल भी। हज डे 1 से है, हज डे 1 से है, फर्ज हुआ इन द 20th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड। जब तक मक्का कैप्चर नहीं हुआ हज फर्ज नहीं हुआ, लेकिन हज डे 1 से है क्योंकि हज तो हजरत इब्राहिम की नहीं, हजरत आदम के दौर से चला आ रहा है। ऐसे ही जब फर्स्ट रेवलेशन प्रॉफिट रिसीव की तो मुफस्सरीन फरमाते हैं, मुफ्तियान ज्यूरिस फरमाते हैं कि व्हेन प्रॉफिट रिसीव द फर्स्ट रेवलेशन, नॉट ओनली एंजल जिब्राइल गेव द मैसेज टू हजरत मोहम्मद पीस अपॉन हिम, एंजल जिब्राइल आल्सो टॉट फ्यू थिंग्स टू हजरत मोहम्मद पीस अपॉन हिम। एंजल जिब्राइल टॉट प्रॉफिट हाउ टू डू गुस्ल, हाउ टू डू वुजू, एंड एंजल जिब्राइल आल्सो टॉट द मेथड ऑफ प्रेइंग टू फॉर द पर्सनालिटी ऑफ अल्लाह, नमाज का तरीका भी बताया। तो ये बात बहुत मजबूती से, दो तरह के बहस है, नंबर 1 नमाज जो है वो प्री इस्लामिक पीरियड से है, नंबर 2 नमाज जो है इस्लामिक पीरियड के स्टार्ट से। तो नमाज डे 1 से है, लेकिन नमाज फर्ज कब हुई? इन द 10th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड व्हेन हजरत मोहम्मद हैड अ मिराकुलस जर्नी ऑफ इस्रा एंड मिराज, जब आप आसमानों पे गए। तो कोई चीज फर्ज बाद में होगी, लेकिन होगी पहले। अगर आपने ये आयत सुनी हुई है, फास्टिंग इज प्रिस्क्राइब टू यू एज इट वॉज प्रिस्क्राइब टू दोज बिफोर यू, तो रोजा तुम पे ऐसे ही फर्ज है जैसे पहले के लोगों पे फर्ज था। तो रोजा तो हमेशा से है, फर्ज कब हुआ? इन द 15th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड। तो नमाज हमेशा से है, लेकिन नमाज फर्ज बाद में होगी। सो इन दीज इयर्स ऑफ सीक्रेट प्रीचिंग मुस्लिम्स यूज्ड टू प्रे, मुस्लिम्स यूज्ड टू ऑफर सलाह, एंड दे यूज्ड टू ऑफर सलाह, क्योंकि उस वक्त तो नमाज फर्ज नहीं थी। तो 5 टाइम्स अ डे की बजाय मुस्लिम्स यूज्ड टू ऑफर प्रेयर ट्वाइस अ डे, और 2 दिन की नमाज पढ़ने में, क्योंकि इट वॉज दैट वॉज अ टाइम ऑफ सीक्रेट प्रीचिंग, ये सीक्रेट प्रीचिंग का दौर है। तो इंस्टेड ऑफ ऑफरिंग सलाह ओपनली मुस्लिम्स यूज्ड टू ऑफर प्रेयर बाय रिट्रीटिंग टू द नियरबाय माउंटेन्स और वुड्स, जंगलात में या पहाड़ों में जाके छुप के मुसलमान इबादत करते थे। सो एक दिन का एपिसोड ये है कि अराउंड 11 प्लस मुस्लिम्स दे रिट्रीटेड टू अ नियरबाय माउंट एंड देयर मुस्लिम्स वर वर्शिपिंग, मुसलमान वहां पर नमाज पढ़ रहे थे। So from there, few polytheists, few idol worshippers, they were passing by, and when they saw Muslims, they were worshipping and they were praying, and especially they were setting their face on the ground to do the prostration in front of the personality of Allah. These idol worshippers, these polytheists, they ridiculed Muslims' way of worshipping. उन्होंने मुसलमानों की नमाज का, especially सजदे का जब मजाक उड़ाया, so it was quite offensive for Muslims, क्योंकि मुसलमानों के लिए नमाज भी कीमती है, और नमाज में सबसे कीमती जो posture है वो तो सजदा है। तो यहाँ मुसलमान भी तैश में आए, और दोनों के बीच में तू मैमे की बात, दोनों फरीकैन पॉलिटिक्स और 11 प्लस मुसलमानों के बीच में जब झगड़ा शुरू हुआ, सो इन दैट ग्रुप देयर वाज अ प्रॉफिट मामू जान, हिज नेम इज हजरत साहब बिन अबी वकास। हजरत साहब बिन अबी वकास इन दिस स्मॉल स्क्वैबल एंड फाइट, ही ग्रैब्ड अ कैमल जॉ बोन फ्रॉम द ग्राउंड एंड ही हिट दैट कैमल जॉ बोन टू द फेस ऑफ वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ कुरैश। जब हजरत साहब ने उसके मुंह पे वो ऊंट की जबड़े की हड्डी मारी, सो इन रिजल्ट ऑफ दैट कॉन्सिक्वेंटली that man of Quraysh, that polytheist, he started to bleed. When he was bleeding, it is known as the first bloodshed for the cause of Allah. It is known as the first bloodshed for Islam. Obviously, the person was not dead. He was just wounded and he was bleeding. Isko bloodshed killing ki wajah se nahi, bloodshed bleeding ki wajah se bolte hain. अब जैसे ही ये बात प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चली, तो ये तो मामला सीक्रेट प्रीचिंग का था, इस्लाम का मैसेज पब्लिक या ओपन होने की इजाजत ना अल्लाह की तरफ से थी ना प्रॉफिट की तरफ से थी। और अगर इसी तरह से मुसलमानों के इनकाउंटर्स या एपिसोड्स होते रहे कुरैश के साथ, तो यूं कुरैश के सामने हमारा सारा पैगाम जो है वो पूरा कंप्लीट पैगाम ओपन हो जाएगा। सो हजरत मोहम्मद सल्लम ने आफ्टर दिस स्मॉल क्लैश जिसमें ठीक ठाक झगड़ा हो गया, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के ऊपर एक पाबंदी लगाई, फ्रॉम दैट डे ऑन टिल द नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ अल्लाह, यानी कि इसके बाद तकरीबन जो है वो 2.5-3 साल तक, जब तक हजरत हमजा, हजरत उमर मुसलमान नहीं हो गए, मुस्लिम स्टार्टेड मीटिंग एट द हाउस ऑफ हजरत अलकम। मुसलमान इसके बाद एक सहाबी के घर में छुप छुप के मिलते थे। मुस्लिम्स यूज्ड टू गैदर इन द हाउस ऑफ हजरत अलकम सीक्रेटली, और स्पेशली ड्यूरिंग डार्क, मगरिब या इशा के बाद के टाइम पे, ताकि तमाम लोग सो रहे और मुसलमान यहाँ छुप के मिले। तो मुस्लिम यूज्ड टू गैदर एट द हाउस ऑफ हजरत अलकम, हजरत अलकम के घर को बोलते हैं दार अलकम। सो दार अलकम में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू कम देयर व्हेन सहाबास वर देयर,
Prophet peace be upon him taught companions, he shared revelations with companions, he also taught the new converts. So, Huzoor yahan par wahi share karenge, yahi instruct karenge, aur yahi new converts ko kalma padhayenge, unko guidelines denge, kaise ghusl wuzu aur kaise islam ko follow karna hai. And now listen carefully. Jaise zameen par Allah ka pehla ghar Kaaba hai, jaise islam ki pehli masjid masjid e Quba hai, जैसे इस्लाम की पहली यूनिवर्सिटी मस्जिद जो है वो नबवी है, इसी तरह से जैसे इस्लाम का पहला किबला मस्जिद अक्सा है, जैसे जमीन पर अल्लाह का पहला घर काबा है, जैसे इस्लाम की पहली मस्जिद मस्जिद कुबा है, जैसे इस्लाम की पहली यूनिवर्सिटी मस्जिद नबवी के अंदर थी जिसको असाबे सुबा सुबा बेंच बोलते हैं, इसी तरह से जैसे मुसलमानों का पहला किबला जो है वो मॉस्को जेरूसलम मस्जिद अक्सा है, इसी तरह से मुसलमानों का द वेरी फर्स्ट कम्युनिटी सेंटर जो है उसको बोलते हैं दारे अरकम. Dar-e Arkam mein jab Muslims used to meet there secretly, most of the residents of Makkah, they knew that this is the house of Hazrat Arkam, but only Muslims, the early converts knew that this is not only the house of Hazrat Arkam, it is also the first Muslim community center and is the secret headquarter of Muslims. To Musliman wahan par ja rahe aane to Quraysh ke chup chup ke andhere mein, lekin sabko pata hai Arkam ka ghar hai Dar-e Arkam, lekin ye baat sirf Musliman jaate hain, Musliman ka pehla community center hai. तो आपको अपना पॉइंट लिखना है, मुझे बताना लास्ट पॉइंट का नंबर क्या था, लास्ट पॉइंट 5 था ना जी, पॉइंट नंबर 6 लिखिए, पॉइंट नंबर 6 जल्दी से शाबाश. इन दीज इयर्स मुस्लिम्स प्रेड ट्वाइस अ डे सीक्रेटली बाय गोइंग टू नियर बाय माउंट अबूस. In these years, Muslims prayed twice a day, secretly, by going to nearby mounds or boats. After a small clash between Muslims and Quraysh, after a small clash between Muslims and Quraysh, Muslims met at the house of Hazrat Arkam. After a small clash between Muslims and Quraysh, Muslims met secretly at the house of Hazrat Arkam. Isko hum bol rahe hain Dar-e Arkam. It was the first community center of Muslims. Their Prophet, peace upon him, shared revelations with his companions and taught the new converts. Please type done when you are done so that I'll move forward. So Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, after some time and the secret preaching was going on, aur itne sare log jo hai wo gradually convert ho rahe the, to Allah Pak ne prophet ko public preaching ki taraf leke jana hai. Public preaching tab tak nahi ho sakti jab tak prophet Muhammad sallam ke paas jo hai wo Makkah ke kisi strong person ki taraf se tribal protection ya protection ho, aur prophet ko protection most likely apne hi tribe se milni hai, to isse pehle ki prophet would be after preaching to the closest, instead of going directly towards the public preaching, prophet ko sabse pehle apne tribe ko jo hai wo confidence mein lena hai, उनकी रिजर्वेशन स्पॉन्सर करना है, और वहां से एक चीज लाजमी हासिल करनी है, ट्रैवल प्रोटेक्शन. सो अल्लाह पाक ने नेक्स्ट स्टेज में नबी इस्लाम को सूरह शुआरा वर्स 214 में ऑर्डर दिया, देयरफॉर एडमोनिश योर नियरेस्ट किन्समैन.
अब आप अपने रिश्तेदारों को इन्वाइट कीजिए. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज ऑर्डर्ड टू इन्वाइट हिज ट्राइब्समैन टू डू दिस. प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू सॉट हेल्प ऑफ हजरत अली और प्रॉफिट हजरत अली से बोला, अली प्रिपेयर अ फीस्ट, एक दावत देनी है जो कि खाने की मील की दावत है. उसमें प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्वाइटेड बनु हाशिम. बनु हाशिम के जो मेंबर्स आए थे, इसमें आपको याद रखना है कि देयर वर फ्यू अंकल्स ऑफ हजरत मोहम्मद पीस ऑन हु रिमेंड द सेम टू नबी इस्लाम आफ्टर रिसीविंग रेवलेशन. लेकिन कुछ एक अंकल ऐसा था प्रॉफिट का जो कि प्रॉफिट का जानलेवा दुश्मन बना. ही आल्सो हैपेंड टू बी द नेबर ऑफ हजरत मोहम्मद पीस, वन हिज नेम इज अबू लहब. सो व्हेन प्रॉफिट इनवाइटेड बनु हाशिम एंड द सीनियर्स ऑफ बनु हाशिम इन अ फीस्ट इन व्हिच प्रॉफिट पीस ऑन वाज एक्सपेक्टिंग दैट ही इज गोइंग टू शेयर विद द पीपल ऑफ बनु हाशिम दैट ही हैड बिकम द मैसेंजर ऑफ अल्लाह एंड देन प्रॉफिट इज गोइंग टू इनवाइट बनु हाशिम टुवर्ड्स मोनोथिस्टिक फेथ कॉल्ड इस्लाम. Like Prophet peace on him received what devastation and disappointment, because Abu Lahab, one of the uncles of Prophet, who used to be affectionate towards Prophet before revelation, and now he is gradually going to become the severe and the bloodthirsty enemy of Prophet Muhammad peace upon him. Abu Lahab was a polytheist idol worshipper. In that feast, Abu Lahab sensed that today Muhammad is going to speak so much in the favor of monotheism, and he is going to speak something ill about polytheism. Abu Lahab, using his power, using his rope, using his the dabdaba of his shakhsiyat, Abu Lahab did not even allow Prophet peace on him to speak up. And a meeting got abandoned, meeting got ended. Abu Lahab ne bola ki hame lagta hai ki aaj aap is tarah ki koi baat karne wale hain, to Abu Lahab wo meeting abandoned kar pata aur Prophet peace on him was not even the opportunity to speak up. Hazrat Muhammad peace on him was devastated ki from his closest member, from his neighbor and the uncle, Prophet is getting this kind of response. Lekin Prophet Muhammad peace on him was the man of determination. He was a determined person. So Nabi al-Islam again instructed Ali prepare another feast and invite the members of Banu Hashim. So now this time, when the members of Banu Hashim were invited in the second feast, jisme male female members dono maujood the, this time Hazrat Muhammad peace on him with utmost confidence, there he stood up to invite Banu Hashim. Prophet Muhammad peace on him told Banu Hashim about the events of Cave Hira. Prophet peace on him shared a few revelations with the members of Banu Hashim. And then Prophet beyond informed them about the truth of Prophet's designation, that Prophet told them that he had been chosen as a Rasul of Allah. And after that, Prophet invited the members of Banu Hashim towards a monotheistic faith called Islam. Right after that, Nabi al-Islam posed a question thrice to the member of Banu Hashim, that who among Banu Hashim, after listening to my account, after knowing that I have been chosen as a Rasul of Allah, who among Banu Hashim are going to support me, my mission and my cause? Historians bahut fakhr se is baat ko likhte hain, all the three times that the person who stood up, he was the youngest, the slimmest, but one of the bravest. Hazrat Ali radhiyallahu anhu stood up thrice, and in front of the all seniors of Banu Hashim, Hazrat Ali with his most confidence and with a firm voice, he said to Nabi al-Islam, O Muhammad, I am the support in your mission and in your cause. यहाँ पर जब नबी इस्लाम को हजरत अली की तरफ से अनकंडीशनल सपोर्ट मिला, तो इसमें मल्टीपल या मिक्स रिस्पांस आया. फर्स्ट ऑफ ऑल यू टू अंडरस्टैंड, व्हेन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड सो, तो यहाँ पर अबू लहब नॉट ओनली रिजेक्टेड नबी इस्लाम, ही आल्सो थ्रेटन्ड प्रॉफिट पीस ऑन कि यू आर स्पीकिंग इल अबाउट आवर आइडल्स एंड द गॉड्स ऑफ आवर फोर फादर्स. तो यहाँ पर हजरत मोहम्मद को अबू लहब ने ब्लंटली रिजेक्ट किया और थ्रेटन किया. हजरत अली ने प्रॉफिट मोहम्मद को अनकंडीशनली सपोर्ट किया. वहां पर हजरत अबू तालिब रियलाइज करते हैं कि यहाँ पर कबीले बनु हाशिम पे अपने ही ट्राइब में नबी इस्लाम को अपने ही चाचा की तरफ से थ्रेट्स मिल रहे हैं, क्योंकि ही शेयर्ड समथिंग रिलेटेड टू अपोसलशिप. तो अगर ये प्रॉफिट पब्लिक प्रीचिंग पे जाएंगे, तो दूसरे कबीले, स्पेशली बनु मखजूम जैसा कबीला, इसमें अबू जहल जैसे लोग हैं, दे विल ट्राई टू किल और हार्म और असैसिनेट नबी इस्लाम. सो इससे पहले कि मेरे भतीजे पूछो, अबू लहब अबू तालिब वाज ऑलवेज कंसर्न अबाउट प्रॉफिट सिक्योरिटी. देयर इन फ्रंट ऑफ द सीनियर्स बनु हाशिम, अबू तालिब ने यहाँ पर अनाउंस किया दैट ही इज अनाउंसिंग और डिक्लेयरिंग ट्राइबल प्रोटेक्शन हजरत मोहम्मद पीस अपॉन हिम. और जो शख्स एक बार ट्राइबल प्रोटेक्शन हासिल कर ले, उसको प्रोसिक्यूट या टॉर्चर करना तो शायद पॉसिबल हो, उसकी असैसिनेशन अगर कर दी गई तो फिर पूरे के पूरे कबीलों में जंग यानी खाना जंग भी छिड़ सकती है. इसे ट्राइबल प्रोटेक्टर बंदे को मारना या असैसिनेट करने का सोचना भी तकरीबन नामुमकिन जो है माहौल था उस टाइम. लेकिन यहाँ पर हमें फीमेल्स की तरफ से भी रिस्पांस मिला, अलोंग विद अ फ्यू फीमेल. वन ऑफ द आंटी ऑफ हजरत मोहम्मद पीस अपॉन हिम, वन ऑफ द आंटीज ऑफ हजरत मोहम्मद पीस अपॉन हिम, हजरत सफिया बिनत अब्दुल मुत्तलिब, शी आल्सो एक्सेप्टेड इस्लाम. तो हजरत अली का अनकंडीशनल सपोर्ट है, अबू तालिब ने ट्राइबल प्रोटेक्शन डिक्लेयर की है, फीमेल में हजरत सफिया बिनत अब्दुल मुत्तलिब भी इस्लाम कबूल करती है, और अबू लहब और बहुत सारे प्रॉफिट मोहम्मद को रिजेक्ट करते हैं. लेकिन इसमें खुशखबरी ये है, सिंस हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैज गॉटन ट्राइबल प्रोटेक्शन, तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब जो है वो पब्लिक प्रीचिंग की तरफ जा सकते हैं. लेकिन पब्लिक प्रीचिंग नहीं करेंगे जब तक अल्लाह इजाजत ना दे. अल्लाह पाक ने इजाजत दी सूरह हिजर चैप्टर 15 वर्स 94, फोर्थ ईयर ऑफ प्रॉफिट में जब ये आयत नाजिल होती है,
तो पाक प्रॉफिट से कहते हैं therefore expound openly for what you are commanded and turn away from those who join false gods with Allah. Expound openly का मतलब इस आयत में open preaching है. Now to follow the orders of Allah, Hazrat Muhammad sallam वहीं पर गए जहां पर लोग usually announcements करते थे. यहां announcements करने के लिए हाजी आए होते थे. हाजी वगैरह अगर आए हुए हैं तो वो काबे के सामने की जगह है. काबे के सामने दो पहाड़ी है, एक माउंट एक सफा पहाड़ी है और एक मरवा है, एक सफा हिल है, एक मरवा हिल है. तो हजरत मोहम्मद सल्लम जो है वो वहीं पर जब गए तो इस एपिसोड में कुछ लोग जो चीज मिस कर जाते हैं उम्मीद है कि आप वो मिस नहीं करेंगे. इससे पहले कि मैं आपको ये एपिसोड सुनाऊं जो कि आपकी ग्रेड 3 की खामियत से आपके साथ चला आ रहा है, आपको एक बात एनालाइज करनी है. वो बात ये कि ये काबा है और ये काबे के आसपास जो काबे का सर्किल है इधर लोग जो है एंटी क्लॉकवाइज मूव करके तवाफ कर रहे हैं और काबे के पड़ोस पे यहाँ पर जो हिल है सफा हिल वहां पर ये एपिसोड चल रहा है. अब ये जो तवाफ चल रहा था काबे में, इस तवाफ में यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग क्रूशियल जो कि बाद में एक नई इंफॉर्मेशन में कनेक्ट करूंगा, वो ये कि इसमें लोकल्स के अलावा फॉरनर्स भी मौजूद हैं. भाई थ्रू आउट द ईयर पीपल यूज टू विजिट द बेसिलिटी ऑफ मक्का टू सी द होली सेंचुरी कॉल्ड काबा फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ माइनर मेजर पिलग्रिमेज. तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो उम्रे की नियत या उम्र इरादे से आए और तवाफ चल रहा है. तवाफ में लोकल्स के अलावा फॉरनर्स भी मौजूद हैं. इन फॉरनर्स से हमें थोड़ी देर में एक बड़ा फायदा होने वाला है. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam jo hai when he was supposed to follow the orders of Allah, prophet bhi isi ke samne ek pahadi safa pahadi pe quraish ke logon ko jama karte hain. Now before you know taking the chance of giving them the message of Allah immediately, prophet bhi just wanted to be certain, he wanted to be sure ki how do they keep trusting the Nabi sallam like previously they have been doing that. So prophet just wanted to double check that if they, the people of Quraysh, they still believe in Hazrat Muhammad beyond, they still trust Nabi Islam. So Prophet, before giving them the invitation of Islam, before giving them the introduction of apostleship, Prophet asked the people of Quraysh a historical question. Prophet said, "Oh Quraysh, if I let you know, there's an army on the other side of the mountain and that army is being aggressive and that army is approaching you aggressively and this army sooner is likely to make an attack on you, would you all believe me or not?" They all responded in a positive and in a very affectionate manner. And they all said in one voice, "Muhammad, you have been Sadiq. You have been Amin. We have never witnessed you lying. Muhammad, whatever you are going to say and share with us, we will surely believe in that because we have never witnessed you lying." After assuring their trust on Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, their Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam shared the truth of the truth with these people. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam told the people of Quraysh that idol worshipping is absolutely false. They are the pieces of stones or wood. These idols cannot eat, they cannot drink, they cannot even help themselves. Then how in the world is it possible that these idols are going to make up your or your family's fortunes? The only true God is the personality of Allah. I have been chosen as a Rasul of Allah. I have been receiving revelations from Allah. So I am here to invite you all tribes of Quraysh towards a true monotheistic faith that is called Islam. इधर नबी इस्लाम ने इस्लाम का तारुफ दिया ही था कि वहीं पर प्रॉफिट को सबसे पहले रिएक्शन आपके घर आने से आया. प्रॉफिट्स नेबर प्रॉफिट चाचू नेम्ड अबू लहब ही इंटरवीन एंड दे ही स्टार्टेड हर्लिंग अब्यूज ऑन हजरत मोहम्मद पीस अपॉन हिम. अब हजरत अबू मोहम्मद सल्लम पे अबू लहब ने जब गालियों की बौछार की, सो प्रॉफिट्स आंटी हु रिसेंटली एक्सेप्टेड इस्लाम नेम हजरत सफिया बिनत अब्दुल मुत्तलिब, शी सॉ दैट अ मेंबर ऑफ बनू हाशिम इज डिसग्रेसिंग एंड अब्यूजिंग अनदर मेंबर ऑफ बनू हाशिम. और यहाँ पर एक डिफरेंस इन ओपिनियन की वजह से तमाम कुरैश के ट्राइब के सामने सीनियर मोस्ट ट्राइब बनु हाशिम की जगह सही हो रही है. सो हजरत सफिया बिनत अब्दुल मुत्तलिब इंटरवीन एंड शी सेड टू अबू लहब, अबू लहब व्हाई यू आर डिसग्रेसिंग योर ओन नेफ्यू? घर की बात है, कबीले की बात है, कबीले में करो, यहाँ पर तो खुल्लम खुल्ला उनको जलील ना करो. लेकिन अबू लहब, बिकॉज वो जमाना ऐसे ही था जो कि शायद जमाना अभी भी वैसे ही हो गया जहाँ औरतों की इज्जत नहीं है और रोडों पर खड़ो के रेप हो रहे हैं, उस दौर में भी औरतों की इज्जत नहीं थी. अबू लहब इंस्टेड ऑफ लिसनिंग और रिस्पोंडिंग पॉजिटिवली टू हजरत सफिया, अबू लहब आल्सो स्टार्टेड हर्लिंग अब्यूज ऑन हजरत सफिया बिनत अब्दुल मुत्तलिब. प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज डिसअपॉइंटेड, ही वाज डेवास्टेटेड कि आपको रिएक्शन मिल रहा है. मेजॉरिटी पीपल दे रिजेक्टेड नबी इस्लाम, लेकिन खुशखबरी ये थी अ फ्यू मेंबर्स आल्सो एक्सेप्टेड इस्लाम. ओवरऑल तो रिएक्शन रिजेक्शन था, बाद में इनसिक्योरिटी और प्रोसिक्यूशन था, लेकिन दो गुड न्यूज थी. नंबर वन, a few members over there, they believed in prophet peace on and they felt like that the message which is shared by Nabi Islam is similar to the message of Ibrahim Alayhislam. So deen-e Ibrahimi jaisi baatein ho rahi hain, ye wahi ki aur nabuwat ki baat ho rahi hai jo ki inke liye uncommon nahi balki ek known baat thi. Lekin yahan par hame jo ek bada fayda hua wo fayda ye
when Prophet peace on was giving the message of Islam to Quraysh, इस पहाड़ी पर जब बहुत ज्यादा शोर शराबा हुआ और कुछ चीख चिंगाड़ा हुआ, जहां पर अबू लहब जो है उसने प्रॉफिट पीजान को बुरा भला कहना शुरू किया, कुरैश की तरफ से एक रिएक्शन आया, they were saying that Muhammad Nauzubillah, you are a madman, you are a magician, what kind of things you are saying, you are a liar. थोड़ी देर पहले प्रॉफिट को सच्चा बोल रहे थे, प्रॉफिट को लायर बोल रहे, एक चिंगाड़ा मचा। तो ये जो लोग जो आपके सामने यहाँ पर काबे के सामने जो तवाफ कर रहे थे, तो जो लोग काबे के सामने तवाफ कर रहे थे इसमें लोकल्स के अलावा फॉरनर्स भी थे, तो ये लोग सारे भागे पहाड़ी की तरफ के मां क्यों किस बात का शोर मच रहा है। And when these people, those who were doing circumambulation around the building of Kaaba, these people, when they had rushed towards Mount of Safa, यहाँ पर सब लोगों को एक बात सुनने को मिली, there is a man in the city of Makkah, he has been claiming to his people, to the people of Makkah, that he is like Abraham. He is receiving revelations like Ibrahim al-Islam, and he is chosen as a Rasul of Allah, like Ibrahim al-Islam was a Rasul of Allah. So, jab ye baat locals ke alawa, foreigners ne bhi suni, so isse bada benefit ye mila, the message of Islam not only reached to every nook and corners of the society of the city of Makkah, actually the message of Islam went beyond the boundaries of Makkah, aur pure Arabia mein ye jo haji foreigners the, ye apne apne ilaqon mein jab gaye, to they shared the news with the people that in Makkah, there's a man named Muhammad or Ahmad. He has been claiming that he's like Abraham. He has been claiming like he's receiving like a book like Suhuf Ibrahim. And he is telling people that he's a Rasul of Allah. So Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka tazkara, charcha, discussion, aur wo ek hot topic pure Arabia mein discuss hona shuru to hua. Lekin ye Arabia Prophet par iman kab laega? 20 saal tak. 20 saal ka arsa Nabi al-Islam mehnat karenge. तब जाके अरबिया यूनिफाई होगा। अभी तो 13 साल मक्का की सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, मक्का के लोग ही आपको इसके भी 17 साल के बाद कबूल करेंगे। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैन ऑफ डिटर्मिनेशन है, आप अनथक मेहनत करेंगे डेकेड्स की, और तब कहीं जाके आपको मक्का भी और आपको अरबिया भी यूनिफाई होता हुआ नजर आएगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यहाँ पब्लिक प्रीचिंग की, तो एक बात मैं कल आपको बहुत जोर से याद कराऊंगा, फिलहाल वो याद नहीं करवा रहा। इस पब्लिक प्रीचिंग पे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उसपे कुरैश ने देखा कि एक तो कुरैश को नजर आया कि कुछ लोग फौरन ही मुसलमान हो गए, और कुरैश को एक न्यूज यहाँ पर मिली कि ये जो रिलीजन आया है ये रिलीजन हमारे बाप दादा के रिलीजन के खिलाफ है। पहले कुरैश को अंदाजा जरूर था कि हाँ जी एक मोनोथिस्टिक फेथ प्रीच हो रहा है, क्योंकि वो फटा हुआ था सात दिन विकास वाला, तब से चर्चा है कि जी क्या बात हुई, जी बात ये हुई कि कुछ लोगों में जो है वो आइडियोलॉजी की वजह से झगड़ा हुआ। कुरैश को ये तो अंदाजा था कि एक मोनोथिस्टिक फेथ आया है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल्का फुल्का प्रीच कर रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता था कि ये मोनोथिस्टिक रिलीजन जो है उनके बाप दादाओं के मजहब को खाने आया है, क्योंकि ये टोटली आइडल वर्शिपिंग के अगेंस्ट है। तो अब कुरैश ने क्यों कुछ कन्वर्जन देखी और जाने से पता चला कि यार मुसलमान तो 40 के लगभग हो चुके और ये आइडियोलॉजी हमारे बाप दादाओं के मजहब के खिलाफ है, तो कुरैश में तीन इनसिक्योरिटीज जनरेट हुई जिनको हम लोग बोलते हैं SRF, और ये SRF का मतलब होगा सोशल रिलीजियस एंड फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज। और ये सोशल रिलीजियस और फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज जनरेट हुई, इसका रिएक्शन कुरैश ने दिया। These people of Quraysh, they held a meeting in Darul Nadwa, which is today's detailed topic, and there they decided that they are going to oppose all those people who are following the religious Islam, and they are going to persecute the followers of Islam, including the leader of these followers named Hazrat Muhammad peace upon him. अब क्योंकि इस आंसर के P4 में persecution मुख्तसर लिखना है, तो persecution में आपने prophet और follower की एक-एक example लेके P4 खत्म कर देना है। मैं आपको कल से जब persecution पढ़ाना शुरू करूँगा, तो followers की मैं आपको तकरीबन जो है वो 10 examples और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लम की तकरीबन 13 examples बताऊंगा। उनमें से आपको यहाँ पर एक एक मिसाल लिखनी होगी। जब टॉपिक P4 में खत्म होगा तो आप बताएंगे जी प्रॉफिट पीस ऑन वाज टॉर्चर्ड ब्रूटली, जिसमें आप अबू जहल वाला या अबू लहब वाला किस्सा बता देंगे दैट दे थ्रू फिल्ड ऑन प्रॉफिट्स बैक, और एक किस्सा आप हजरत बिलाल का बता सकते हैं, और यूं जो है मामला खत्म हो जाए। तो हाँ तरह आप निकल जाए अगर आपको नहीं पढ़ना, आप क्या बकवास कर रहे हैं यहाँ पर, मैं यहाँ पर गाने सुना रहा हूँ क्या, किस किस्म की बदतमीजी है सर ये, क्यों करते हैं क्लास खत्म, मेरी क्लास का टाइम चल रहा है मैं क्यों क्लास खत्म कर दूं भाई, मैं यहाँ पर आपको क्या जिना की दावत दे रहा हूँ जो आप इस तरह की बकवास कर रहे हैं मेरे साथ, लेक्चर के बीच में फजूल की बकवास करने की क्या जरूरत है भाई, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं दीन पढ़ा रहा हूँ, आपकी क्या मुसीबत लगी हुई भाई, आपको कहीं जाना तो आप दफान हो जाएंगे यहाँ से, आप क्यों मेरे बीच में आके यहाँ इस्लाम की बात में आड़े डाल लें। सो एनीवेज छोड़े फजूल लोगों को, वी आर टॉकिंग अबाउट की जब प्रॉफिट एंड होगा तो आप प्रोसिक्यूशन की दो एग्जाम्पल्स देंगे, एक एग्जाम्पल प्रॉफिट पर एक एग्जाम्पल फॉलोअर पर, लेकिन वो एग्जाम्पल्स आज नहीं पढ़ रहे हम लोग, तो हम इसको लिंक कर देंगे एग्जाम्पल्स हमारी कल के टॉपिक से, प्रोसिक्यूशन की डिस्कशन से स्टार्ट होंगी। तो हम जो है वो पॉइंट्स लिख रहे हैं, मुझे ये बता दीजिए प्लीज कि आखिरी पॉइंट का नंबर क्या था, नंबर 9 था, चलो नंबर 10 पॉइंट्स लिखना शुरू करो।
Number 10. To follow the orders of Allah, Prophet Muhammad conducted a feast. In this feast, Abu Lahab did not allow Hazrat Muhammad to speak. Determined Prophet, peace upon him, conducted another feast. This time, he, peace be upon him, invited Banu Hashim. This time he invited Banu Hashim. So Prophet, when he invited Banu Hashim, so he got a mixed response. Usme sabse pehle Hazrat Ali supported him unconditionally. Dusra, Abu Lahab rejected him. Abu Talib declared tribal protection for him. Chautha, Asafia and a few female. Asafia and a few females converted. E3 start ho gaya in fourth year of prophethood. Prophet Muhammad, peace upon him, received 15:94, ordering him to preach publicly. Prophet received 15:94. Ordering him to preach publicly. Follow the orders, he gathered Quraysh on Mount Safa. Briefly describe the event of Mount Safa. अब क्योंकि बचपन से सुना और किस्सा है, जबकि मैं सुना भी रहा था तो कुछ लोग ऑलरेडी मैसेज करके बताए थे कि उन्हें ऑलरेडी स्टोरी मालूम है. तो तीसरा पॉइंट होगा ब्रीफली डिस्क्राइब द इवेंट्स ऑफ माउंट सफा. इवेंट ऑफ माउंट सफा, तो a few members accepted faith. P4 आ गया. छोटे छोटे से पैराग्राफ हैं. ओपन प्रीचिंग,
Open preaching and new conversions made Quraysh insecure. Therefore, Quraysh started torturing Prophet and his followers. Give an example of persecution on Prophet. Give an example of persecution on a follower of Prophet, peace be upon him. यहाँ पर आपका पार्ट ए खत्म होगा, अब पार्ट बी करना है. जगह खत्म हो जाए तो एक्स्ट्रा शीट्स यूज कीजिएगा. वायोपी का मतलब ईयर ऑफ प्रॉफिट टूड है. मैंने इसलिए तो ईयर ऑफ प्रॉफिट के आगे जो है वो वायोपी लिखा. जगह खत्म हो तो आगे एंड में एक्स्ट्रा शीट्स हैं वो यूज कीजिएगा. स्क्रीन को मिनिमाइज कर दूं, जरूरत नहीं है स्क्रीनशॉट की वैसे ही वाले की, लेकिन चले आपकी ख्वाहिश है तो ये ले. जी मरियम, वर्सेस मेंशन करनी पड़ेंगी. वर्सेस को मेंशन किया करना लाजमी है, तो सूरह शुआरा और सूरह हिजर दोनों की आयतें आएंगी. पेज 13 पर जगह है तो पेज 13 पे लिखें. अगर जगह खत्म हो तो एक्स्ट्रा शीट यूज करनी पड़ेंगी. अगर स्पेस है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कुछ लोगों का फॉन्ट साइज राइटिंग का बड़ा होता है, कुछ लोगों का छोटा होता है, तो जिसको जैसी भी सहूलत हो वैसे काम कर ले. प्रॉब्लम है बिल्कुल है बासित साहब, कि आप सबसे अलग काम क्यों कर रहे हैं. एक चीज यूनिफॉर्मिटी होती है. चलिए जी, आज का आखिरी छोटा सा सवाल है, फिर छुट्टी कर रहे हैं. वॉज इट सिग्निफिकेंट. Was it significant that he started his mission with secret preaching? ये जो मैं आपको वर्डिंग लिखवा रहा हूँ, ये 2013 की वर्डिंग है, जिसमें एग्जामिनर ने ओपिनियन पूछा कि what do you think? It was significant या insignificant that Prophet Muhammad SAW began preaching with secret preaching? लेकिन एग्जामिनर साहब कभी कभार करते हैं ये कि वो कभी डायरेक्ट ओपिनियन पूछते हैं और कभी कभार डायरेक्ट रीजन पूछते हैं. ओपिनियन पूछेगा तो यू आर सपोज टू राइट एन ओपिनियन एंड देन टू सपोर्ट योर ओपिनियन यू नीड टू मेंशन द वेरियस रीजंस. लेकिन कभी एग्जामिनर साहब ऐसा करेंगे वो डायरेक्ट आपसे रीजंस पूछेंगे. अब आपसे रीजन पूछ रहा है तो आप रीजन लिख देंगे. अब देखिए, मैं यही वाला सवाल ट्विस्ट करके लिख रहा हूँ. अब मैं जो वर्डिंग लिख रहा हूँ वो मेरी वर्डिंग है. ऊपर है वाज इट सिग्निफिकेंट दैट ही स्टार्टेड हिज मिशन विद सीक्रेट प्रीचिंग. ये वर्डिंग एग्जामिनर की ओपिनियन बेस्ड, पर इसको एग्जामिनर साहब जो है वो इस तरह से भी लिख सकते हैं, जिसमें एग्जामिनर कह रहे हैं आपसे डायरेक्ट रीजन वाई ही पीस बी अपॉन हिम
began his mission with quiet preaching भी बोल सकते हैं और secret preaching भी बोल सकते हैं. With quiet preaching. पेज नंबर जहां भी काम कर रहे थे उसी के आगे कंटिन्यू होगा इब्राहिम खली साहब. जिस भी पेज पे काम कर रहे थे उसके आगे कंटिन्यू हो जाएगा. जाहिर सी बात है मैं लिख रहा हूं तो कॉपी करना होगा ना हाशिम, कैसी बातें कर रहे हो यार. जल्दी शाबाश, थक गया मैं यार, सो जाऊंगा मैं जल्दी. लेकिन थिंग इज के whenever examiner is going to ask you the opinion, the students गलती ये करते हैं कि वो पूरा answer में अपना जो है वो reasons लिख देते हैं, opinion share नहीं करते. तो जो पहली वाली wording है 2013 की question B की, उसमें आपसे पूछ रहा है कि was it significant, तो आपको पहले जवाब देना पड़ेगा. And you can go to the to any of the choices. You can say yes, it was significant that Prophet started preaching with secret preaching because firstly, secondly, thirdly, fourthly, lastly अपनी बात को support करने के reasons देते हैं. लेकिन स्टूडेंट्स को इतनी पूरी परमिशन है कि वो अगेंस्ट भी जा सकते हैं. स्टूडेंट्स कह सकते हैं नो, इट वाज नॉट सिग्निफिकेंट टू स्टार्ट हिज मिशन इन सीक्रेट प्रीचिंग. प्रॉफिट शुड हैव स्टार्टेड हिज करियर विद ओपन प्रीचिंग, तो जल्दी इस्लाम फैल जाता और फिर वो अपने रीजन लिख सकता है. लेकिन मैं आपको बिल्कुल भाइयों वाला मशवरा दूंगा और मुसलमानों वाला मशवरा दूंगा, मुसलमान भाइयों वाला, कि भाई कभी भी इस ओपिनियन में अल्लाह अल्लाह के रसूल साहब और आइमा के खिलाफ नहीं जाया जाता. तो जब प्रॉफिट बीजोर ने कोई काम किया है उसके पीछे रीजन सबसे स्ट्रॉन्ग होंगे और हुजूर को अपोज करना आपके ईमान को नुकसान पहुंचाएगा. सिलेबस में आपको मार्क्स दे देगा, आप अपोज करके रीजन को जस्टिफाई करके मार्क्स ले सकते हैं, अंग्रेजी अच्छी लिख के मार्क्स ले सकते हैं, लेकिन दैट इज नेवर रिकमेंडेड और प्रेफरेबल कि आप नबी इस्लाम के अगेंस्ट जाएंगे. तो हजरत मोहम्मद ने सीक्रेट प्रीचिंग से स्टार्ट किया, तो वॉज इट सिग्निफिकेंट? यस, इट वॉज सिग्निफिकेंट टू स्टार्ट हिज मिशन विद सीक्रेट प्रीचिंग. तो ही स्टार्टेड हिज मिशन इज सीक्रेट प्रीचिंग बिकॉज, उसके आगे रीजंस आ जाएंगे. अब एक काम करना है, पांच रीजंस हैं, तुम बस मेरे साथ वो रीजन पहले याद कर लो, मैं फटाफट आपको लिखवा दूंगा. रीजंस आपने याद करने पहले मेरे साथ, बल्कि मैं लिखवाऊंगा नहीं, स्क्रीन पे दिखा दूंगा, आप स्क्रीन से कॉपी करके फरार हो जाएगा, स्क्रीन शॉट लेके फरार हो जाएगा, जो भी आपने बाद में लिखना है अभी लिखना है. पहले आप मेरे साथ याद कर लें, पहला और आखिरी रीजन आपको याद होना चाहिए, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीक्रेट प्रीचिंग से क्यों शुरू किया? Because it was the order of Allah. So he began his career with secret preaching because it was the order of Allah. Phir aakhri point, Hazrat Muhammad Sallam ne phir open preaching kyun ki? Because it was the order of Allah. So five points banenge. Sabse pehle aap opinion batayenge. Yes, it was significant to begin his mission, to begin his mission with secret preaching. He preached secretly first because it was the order of Allah. फिर दो तीन पॉइंट आने के बाद then he started preaching openly because he was divinely instructed, he was जो है वो instructed and ordered by Allah. तो दोनों में order of Allah पहला और आखिरी पॉइंट है, बीच में पॉइंट्स क्या आएंगे? देखो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम when he began preaching secretly, उसमें सबसे पहले आपने ये समझा कि इंसान जो है वो पूरी दुनिया से लड़ सकता है अगर घर वाले उसके साथ हो. आप अपनी फैमिली के साथ मिलकर जहान का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन आप पूरे जहान के साथ मिलकर अपनी फैमिली का मुकाबला नहीं कर सकते. और ये फॉर्मूला है, तबलीग अपने घर से स्टार्ट होगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल नबी इस्लाम वांटेड टू हैव द सपोर्ट ऑफ हिज क्लोजर्स फर्स्ट, क्योंकि ये जो क्लोजर्स हैं जैसे कि आपके बचपन के दोस्त, आपके मुंह बोले बेटे, आपके कजन और आपकी वाइफ, ये आपकी अपोस्टलशिप, आपकी नबूवत की गारंटी है. अगर ये प्रॉफिट पे ईमान नहीं लाए तो किसी को भी प्रॉफिट की नबूवत पे यकीन नहीं आएगा. सो ही वॉन्टेड टू स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस फर्स्ट, he wanted to start from his closest first, ताकि वो प्रॉफिट की नबूवत की गारंटी बने. तो प्रॉफिट पीस अपॉन हिम बिगन प्रीचिंग विद सीक्रेट, क्योंकि पब्लिक में जाने से पहले आपको अपने लोगों का सपोर्ट चाहिए था. सो ही वांटेड टू गेन सपोर्ट ऑफ हिज क्लोजेस्ट फर्स्ट. नंबर टू, पब्लिक प्रीचिंग पे अगर नबी इस्लाम विदाउट ट्राइबल प्रोटेक्शन चले जाए तो हजरत मोहम्मद सल्लम की जान को खतरा है और हो सकता है कोई बढ़ के प्रॉफिट को असासिनेट कर दे. इसी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पब्लिक प्रीचिंग से पहले क्या चाहिए? ट्राइबल प्रोटेक्शन. और ट्राइबल प्रोटेक्शन से पहले प्रॉफिट को क्या चाहिए? ट्राइब को प्रीच करना. So now he wanted to gain support of his tribe first, or tribe ko support karne ke liye before going for public preaching, he had gone for tribal preaching, which was again ordered by Allah. Ab ek baat mujhe ye jaldi se aapne sawal ka jawab dena hai. Imagine karo musalman khali jo hai 5 hai, aur 5 musalman jo bahut kam hai, aur iske sath prophet public preaching pe chale jaye. It low strength ke sath agar prophet public preaching pe jayenge, Quraysh persecute to karenge. अगर 4-5 ही मुसलमान होंगे तो कुरैश के लिए आसान होगा 4-5 मुसलमानों को मार देना, ना रहेगा मुसलमान, ना रहेगा इस्लाम. लेकिन अब प्रॉफिट का स्ट्रेटजी और प्लान ये है कि प्रॉफिट हैड एन आइडिया कि कुरैश का रिस्पांस अग्रेसिव हो सकता है,
So Prophet 3 saal ke arse mein apni strength gain karna chahte. He wanted to gain support of his closest. He wanted to gain support of his tribe. And now he wanted to gain support of his support in strength. Agar 40 plus Musliman ke saath Prophet public preaching pe jaye, to Quraysh phir bhi persecute karenge. Ab jab persecution hoga, to ho sakta hai ki 10 ya 12 log ya 5 log se jo hai wo shaheed ho jaye. लेकिन 40 प्लस लोगों को मारना आसान नहीं होगा. तो इस्लाम भी सरवाइव करेगा, मुसलमान भी सरवाइव करेगा. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो पब्लिक प्रीचिंग से पहले कुछ तैयारियां कर रहे हैं. आपको गारंटी चाहिए, जो आपकी नबूवत की गारंटी बने वो क्लोजेस्ट का आपको भरोसा चाहिए. आपको प्रोटेक्शन चाहिए, कहीं आपको असैसिनेट करने के हमले ना हो जाए, तो आपको ट्राइब का प्रोटेक्शन और ट्राइबल प्रोटेक्शन चाहिए. तीसरा, प्रॉफिट को स्ट्रेंथ चाहिए, ताकि अगर मुसलमान एक बड़ी स्ट्रेंथ के साथ पब्लिक बीच में जाए तो पब्लिक सिवियर रिएक्शन भी अगर आएगा तो किसी तरह से इस्लाम और मुसलमान सर्वाइव करें. वो सर्वाइवल तब तक मुमकिन नहीं है जब तक हमारे पास नंबर या जो ऑडियंस जो है वो स्ट्रेंथ जो है ज्यादा ना हो, क्योंकि तकरीबन टेंस में यानी 40 प्लस में होनी चाहिए. लास्ट, प्रॉफिट देन स्टार्टेड प्रीचिंग ओपनली, क्योंकि क्लोजर्स का सपोर्ट आ गया, ट्राइब का सपोर्ट आ गया, हजरत मोहम्मद सल्लम के पास जो है वो स्ट्रेंथ भी आ गई, तो हुजूर को अल्लाह ने हुक्म भी दे दिया. सो नाउ ही वेंट फॉर द पब्लिक प्रीचिंग. अब ये सारे पॉइंट्स हैं वो आप एक साथ जो है वो एक तरीके से लिख लेंगे. मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, क्योंकि आप इस तरह से लिख लिख के जो है थोड़ा सा थक चुके होंगे. देखिए, ये कॉपी करना है. यस, इट वॉज सिग्निफिकेंट टू बिगिन विद सीक्रेट प्रीचिंग. यस, इट वॉज सिग्निफिकेंट टू बिगिन विद सीक्रेट प्रीचिंग. उसमें पहली बात, he was following the orders of Allah to begin with secret preaching. Point 14 onwards. कौन से पॉइंट्स हैं? When you are done, you may leave. If you are done, you can leave. थोड़ी सी क्लास लंबी होगी, लेकिन अंदर टॉपिक खत्म हो गया, ताकि कल हम फ्रेश टॉपिक स्टार्ट कर सकें. क्या हो गया कमर को सलीम? कमर के लिए दुआ क्यों करनी है? हरमैन, कौन सी वर्कबुक चाहिए आपको, 2 या 3? जी जैनब, ऐसा ही है, सही फरमाया आपने. क्वेश्चन ये ऊपर लिखा हुआ ना, क्वेश्चन ऊपर भी तो ऊपर ही तो लिखा हुआ, ये आ गया क्वेश्चन. ये लीजिए, क्वेश्चन भी आ गया. जी हमजा, पूछिए और से क्वेश्चन. अबुल, आपको अंदाजा था इब्राहिम खली साहब, मैंने वर्ड यूज किया अबुल हब सेंस दैट, कि हुजूर इस्लाम की जो है वो डिफरेंट अप्रोच पिछले 3 साल से चल रही है, उसकी खबर खानदान में तो थी ना. हमजा, P2.14 मुझे नहीं पता एक्यूरेटली कौन सा है, क्योंकि नंबरिंग तो मैंने अभी रैंडम खुद ही की है. सो आई एम गोना शेयर दिस पीडीएफ ऑफ फर्स्ट सेलिब्रेशन एज वेल एज दिस पीडीएफ राइट आफ्टर द क्लास ऑन वन ड्राइव. तो आप वहां से फिर पूरा पीडीएफ में देख लीजिएगा आपका एग्जैक्टली कौन सा पॉइंट मिसिंग है, उसको फिर आप कॉपी कर लीजिए. मेरे पास 2018 का आईपैड है, और अमेरिका में मैंने जो है वो ऑर्डर करवा के 2020 का आईपैड भी डिलीवर करवा दिया है, क्योंकि बड़ी स्क्रीन है. क्योंकि ये तो 10 पॉइंट समथिंग की जो स्क्रीन साइज है वो मेरे ख्याल से 12 पॉइंट समथिंग का साइज है, तो वो आ जाएगा इंशाल्लाह. तो फिर उसके मैंने मैजिक कीबोर्ड भी ऑर्डर किया उसके साथ, तो आपको अमेरिका से आएगा तो पहुंचेगा सामान.
मोहम्मद अयान, मेरा लूजिंग टेम्पर तो वैसे होता रहता है, लेकिन मैं टेम्परमेंट एक ही जगह पे लूज करता हूँ, वो ये कि वो मैं असल में पढ़ा रहा हूँ कुरान की आयतें, अल्लाह का दीन, अल्लाह का मजहब, और आगे से बोल रहा है बस सर बस कर दें। सो इट्स इट सीम्स लाइक कि पता नहीं मैंने ऐसी क्या बात बोल दी है, या मैं उनसे किस किस्म की नाजायज बात कर रहा था, या मैं इमोरालिटी, या मैं गाली दे रहा था, या मैं झगड़ा कर रहा था। मैं तो उनको दीन पढ़ा रहा था, दीन की बात पढ़ा रहा था। और अगर आपको जाना है तो आप चले जाए भाई, आप पूरी क्लास को डिस्टर्ब करें। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू बी, 200 प्लस पीपल वर इंटरेस्टेड टू लिसन टू मी। ये बात बेटा, ये फाइल आपको पीडीएफ वहां से देखनी पड़ेगी, क्योंकि स्टूडेंट्स कॉपी कर रहे हैं वाला काम। आई कैन नॉट चेंज और स्विच दिस स्क्रीन, सो राइट आफ्टर द क्लास इंशाल्लाह। अभी क्योंकि असर का टाइम और मगरिब का टाइम करीब है, मैं नमाजें पढ़ने के फौरन बाद जो है इंशाल्लाह आपकी जो है वो पीडीएफ शेयर कर दूंगा वन ड्राइव में, आप प्लीज वहां से जो है वो सारा काम देख लीजिए। Prophet was the first believer of Islam. Pata nahi, when we say these are the followers of Islam, and these are the followers of Prophet as well. So you know, technically Hazrat Adam was the first believer of Islam. So phir to baat ye to technically aur bhi wo technique nikalegi. No Shahi Sam, if you are just writing the number, it is not going to give you any score at all. If you are writing quotation with number, that's cool. If you are writing quotation with the name of the surah, that is also acceptable. If you are writing just the quotation without the name of the surah and without reference number, that is also acceptable. But without quotation, whatever you are going to write, it is useless. Because quotation mandatory hai, baki uske saath koi cheez dikhni ya nahi dikhni, wo optional hai. Ji, kal aake jaake notes le sakte hain, kyun nahi le sakte bhai? नोट्स के लिए मेरा बच्चा अब्दुल्ला टाइमिंग जो है वो तकरीबन जो है वो बिटवीन 4-3 टिल जो है वो 8, 3 से 8 के बीच में अगर आप विजिट करें कैंपस तो आप नोट्स ले सकते हैं। मुनीर, योर क्वेश्चन इज कंप्लीट, इज इट अप्रोप्रिएट टू यूज द वर्ड मिया विद, डू यू मीन टू से अल्लाह? सो अल्लाह मियाँ बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वो अदबी और फॉर्मल लैंग्वेज के लिए वर्ड यूज हो रहा है, उसमें मियाँ मतलब शौहर नहीं है, अल्लाह मियाँ मतलब जो है वो जनाब, और फॉर्मल स्पीच में अदबी अंदाज में बात होगी। मोहम्मद तारिक बेटा, अगर आप रजिस्टर में लिख रहे हो तो दैट्स नॉट हाईली रिकमेंडेड, क्योंकि ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू फिल 10 डिफरेंट वर्क बुक्स, और उसके बैक में पास्ट पेपर्स और होमवर्क उसी के हिसाब से होगा। सो प्लीज डू वन थिंग, and that is ke go and visit the campus and buy your set of notebook workbooks please. Workbooks ke alawa kaam mat kare, kyunki fir aapko bahut ajeeb o ghareeb se aapke lectures bhi ajeeb o ghareeb sequence mein honge aur kabhi pata hi nahi chalega kya padh liya aur kya miss kar liya. Munir, maine aapke sawal ka jawab de diya. Munir ya madrasa jo bhi the, पेज 13 पे करना था, क्योंकि 14 पर तो प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो रहा है, और अगर 13 पे स्पेस खत्म हो रही है तो फिर आप एक्स्ट्रा शीट्स यूज कर सकते हैं। पर फरहान, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली, कि डिस्पाइट हैविंग द ट्रैवल प्रोटेक्शन व्हाई वाज ही प्रोसिक्यूटेड, और तो उसमें ये ऐसा क्यों हुआ, एंड व्हाई हाउ कुड अबू तालिब वाज नॉट एबल टू, हाउ कुड अबू तालिब नॉट एबल टू प्रोटेक्ट नबी इस्लाम। तो ये कल की क्लास प्रोसिक्यूशन में, क्योंकि ये प्रॉफिट पीस अपॉन के रेफरेंस से डिस्कशन में आएगा। सो दैट्स अ गुड क्वेश्चन, और मैं कोशिश करता हूँ कि इसका जवाब ऑलरेडी मैं प्रोसिक्यूशन के लेक्चर में कवर करूँ। तो कल की क्लास का आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको पहले ट्रैवल प्रोटेक्शन का पूरा साइकिल समझाऊंगा, फिर ये बात कनेक्ट करके इसको जस्टिफाई कर सकूंगा। अकॉर्डिंग टू सुन्नीस, वो जो औलादें थी फातिमा जफर, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो औलादें जो है हजरत खदीजा के जो लेट हस्बैंड से, उनके रिलेटिव्स को दे दी गई थी। और अकॉर्डिंग टू शियाज जो हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो प्रॉफिट पीजन की 3 बेटियाँ हैं, ये वही औलादें हैं, और इन ये प्रॉफिट पीजन की जो है वो हजरत खदीजा की दूसरे हस्बैंड से औलादें, जिनको प्रॉफिट ने पाला था। और सुन्नीस कहते हैं कि जी नहीं, चारों बेटियाँ प्रॉफिट हजरत खदीजा की हैं और चारों बेटियाँ प्रॉफिट। तो ये सुन्नी जो शियाज में, इसमें डिफरेंस पाया जाता है। अगर आप सुन्नी हैं तो आप ये मान लें कि दोस जो चिल्ड्रन फ्रॉम दी यू नो एक्स हस्बैंड्स और लेट हस्बैंड्स ऑफ खदीजा, दे वर गिवन टू दी रिलेटिव्स ऑफ दी एक्स हस्बैंड्स और लेट हस्बैंड्स। और शिया के हिसाब से मैंने आपको थ्योरी बताई, जो उनकी जो है वो जो बिलीफ है उनका मैंने आपको बताया।
जी मैं अब्दुल मजीद साहब में चाय पीता हूँ, ज्यादा इंसान हूँ, चाय क्यों नहीं पीऊंगा। आई डोंट नॉट नो पबजी हलाल है हराम है, लेकिन मैंने उस पर फतवा तो नहीं सुना अभी तक कोई। कुरैश व्हेन वी यूज द टर्म कुरैश, कुरैश मींस दैट कुरैश इज द सम ऑफ 12 ट्राइब्स, उसमें हाशिम है, मखजूम है, ज़हरा है, उसमें बनू उमैया है, उसमें बनू असद है, बनू जुमा है, उमैया बिन खल्फ वाला, तो कुरैश 12 कबीले। तो मैं व्हेन आई व्हेन इट वाज ट्रैवल प्रीचिंग तो बनू हाशिम को इनवाइट किया माउंट सुफा पे, कुरैश यानी ऑल ट्राइब्स को इनवाइट किया। जी ऐसे ही होमवर्क व्हाट्सएप क्वेश्चन और पीडीएफ क्वेश्चंस दोनों सेम होते हैं। जैनब सबका पेज नंबर 27 ब्लैंक है, अलिस्ता वल मेराज में मैं ब्लैंक पेज में मैप बनवाता हूँ, और अभी मैं स्क्रीन चेंज कर सकता हूँ तो मैं आपको मैप दिखाता, वो मैप के लिए पेज छोड़ूंगा। जी नमाज का टाइम जा रहा है तो अब मैं भी चलता हूँ, हम इंशाल्लाह अभी जो है वो कल मिलेंगे। जी मोहसान वो आफ्टर इस्लाम कबूल होगी, क्योंकि वो निकाह जो था वो दीन इब्राहिमी के हिसाब से था, तो वो कबूल होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। ठीक है हर महीन मैंने सुन लिया वर्कबुक 3A, और आपका कैंपस बहादराबाद है, तो लेट मी जस्ट यू नो अरेंज दैट वर्कबुक फॉर यू इंशाल्लाह। मैं आपको कल कन्फर्म कर दूंगा, तो आप मेरा बच्चा फिर मंडे को विजिट करके वर्कबुक दे, मैं एक एक्स्ट्रा कॉपी बनवा देता हूँ। फरहान किस बुक की बात कर रहे हो? यस इट सुभान इट इज पॉसिबल टू सी अल्लाह, इमाम अहमद बिन हंबल ने अल्लाह को देखा है ख्वाब में मल्टीपल टाइम्स, और हजरत मोहम्मद भी ख्वाब में आते हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है कि अगर किसी ने मुझे अल्लाह को ख्वाब में देखा तो गोया हमें ही देखा, क्योंकि शैतान किसी भी सूरत इख्तियार कर सकता है ख्वाब में, लेकिन अल्लाह अल्लाह के रसूल की सूरत इख्तियार नहीं कर सकता। एग्जाम गाइड जन्नत फातिमा बेटा ईयर के एंड में मिलती है, यूजुअली एग्जाम गाइड का जो मंथ है वो मार्च है। मोटरवे इंसिडेंट की कल्प्रिट्स की सजा मौत है, इन इस्लाम द पनिशमेंट ऑफ रेप इज एग्जीक्यूशन। जी इब्राहिम मैं सुनता तो हूँ, अब आप तक आप मुझे नहीं मालूम किन वॉइस नोट्स को रेफर कर रहे हैं। नहीं हुदा वो मैंने लिखा हुआ है सीक्रेट प्रीचिंग में, दिस टाइम ही इनवाइटेड बनु हाशिम, तो दैट्स पैराग्राफ नंबर 2। पैराग्राफ नंबर 2 सीक्रेट प्रीचिंग में आपने बनु हाशिम को इनवाइट किया है, लेकिन आप कह रही है नोट्स में मैंने ऐसी मिस्टेक कर दी, तो मैं नोट्स में देख लेता हूँ, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, दिस टाइम इन्वाइटेड कुरैश होना चाहिए। चले आप लोग सवाल चलते रहेंगे। मैं जनाब सुन्नी हूँ, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।